Now, material. This is semiconductor material basically, right? Material को on the basis of conductivity हम तीन category में classify करते हैं. तीन category हो जाती है conductor, semiconductor and insulator. This is on the basis of conductivity, right? कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, राइट? कोई भी सिस्टम कंडक्टिंग होता है अगर उसमें मूवेबल चार्ज कैरियर्स होते हैं. मूवेबल चार्ज कैरियर हैं तो वो कंडक्टिंग होता है, राइट? अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज कंडक्शन. और उन वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? वैलेंस बैंड में. जो आउटर मोस्ट यानी वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं दे कम आउट ऑफ द ऑर्बिट एंड बिकम फ्री फॉर द कंडक्शन, राइट? दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट? और जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं सो दे लीव अ वैकेंसी बिहाइंड, दैट वैकेंसी इज कॉल्ड होल्स. नेट वैकेंसी इज कॉल्ड होल्स, राइट? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कहां पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में, राइट? एंड ये वैकेंसी जो है ये कहां पे होती है? वैलेंस बैंड में. तो इट इज सिंपली जो सॉलिड्स में एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट है हमें उससे कंसर्न है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से कंसर्न है. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट. उससे इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री हो गए, फ्री हो गए तो वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन गए. और जो उनकी वैकेंसी है कहाँ पे? ऑर्बिट में, वो उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड. उसमें वैकेंसी को हम होल कहते हैं, राइट? तो अकॉर्डिंगली हम पूरे एनर्जी सिस्टम को बैंड में डिवाइड करते हैं. और क्योंकि हमें बाकी ऑर्बिट से मतलब नहीं है, लोअर ऑर्बिट से हमें सिर्फ मतलब है जो वैलेंस ऑर्बिट से, तो हम बैंड को डिवाइड करते हैं. तो एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एंड इसके बीच का जो पोर्शन है इसको हम एनर्जी गैप बोलते हैं. एनर्जी गैप बेसिकली ये एनर्जी गैप डिफाइन करता है इफ़ ए सिस्टम इज़ ए कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर. अगर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो इंसुलेटर है, अगर कम है तो सेमी कंडक्टर है, और बिल्कुल भी नहीं है तो कंडक्टर है. तो इन द कंडक्टर, इन द कंडक्टर दिस इज ओवरलैपिंग, लाइक दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड. एंड नाउ एवरी स्मॉल थिंग मैटर है ना, एवरी स्मॉल थिंग, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी हो जाता है. और क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती तो थियोरिटिकल क्वेश्चन बहुत बनते हैं, राइट? व्हाट डज दिस ओवरलैपिंग मींस? ये क्या है? ये एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट? ये वैलेंस बैंड का लोएस्ट लेवल है, लोएस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड. और हाइएस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड इज जीरो, ठीक है? यानी जब वो बाहर निकल जाता है. ये सब नेगेटिव में होते हैं, नेगेटिव में नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, राइट? तो व्हाट इज द ओवरलैपिंग बैंड मींस? द ओवरलैपिंग बैंड मींस एट द सेम एनर्जी लेवल एन इलेक्ट्रॉन कैन बी इन वैलेंस बैंड एज वेल एज कंडक्शन बैंड. यानी सेम एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है. इसीलिए कंडक्टर को हम अगर थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस दें, इवन इफ इट इज इन माइक्रोवोल्ट, स्टिल द करंट विल फ्लो. क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इस जोन में है दे जस्ट नीड अ लिटिल पुश, दे जस्ट नीड अ लिटिल पुश, वेरी मच लाइक ए क्लिफ पे खड़ा हुआ आदमी, बस एक हवा का झोंका भी बहुत है, ठीक है? एक क्लिफ पे खड़ा है आदमी तो वो हवा का झोंका भी लगा तो भी गया. तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का होता है, हल्का सा भी एनर्जी मिली दे विल बिकम फ्री फॉर कंडक्शन. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द ओवरलैपिंग बैंड. अगर ये एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर.
ठीक है, जबकि इतना होता नहीं है। अगर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सेमीकंडक्टर है। इट इज़ बेसिकली वी नीड टू कैटेगराइज कि कहाँ पे सेमीकंडक्टर एंड करें और कहाँ पे इंसुलेटर शुरू करें। तो अगर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सेमीकंडक्टर, एंड ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इंसुलेटर। बट यूजुअली दिस एनर्जी गैप इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.7172 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ठीक है, दिस एनर्जी गैप इज, तो वी कैन से द एनर्जी गैप ऑफ ए सेमी कंडक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होता है। ठीक है, और इंसुलेटर का अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होता है। ठीक है, सेमी कंडक्टर आते हैं 14th ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, जो 14th ग्रुप एलिमेंट है यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, जिनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन भी 14th ग्रुप में आता है बट दैट इज नॉट कॉल्ड एज ए सेमीकंडक्टर। रीजन, वो जो हमारी टेक्निकल डेफिनेशन है एनर्जी गैप वाली, वो उससे बाहर हो जाता है। ठीक है, तो बाकी मेजर जो यूज होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज होते हैं एज ए सेमीकंडक्टर। राइट, इतना क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, अब ये तो हो गया सबका, नाउ सिर्फ सेमीकंडक्टर पे आते हैं। जीरो केल्विन फिल्ड एम्प्टी, और ये अंडरस्टूड है, नीचे वाला वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है और बीच में एनर्जी गैप। इफ जीरो केल्विन देन इट इज ओके, दिखता है जीरो केल्विन, तो वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन द ऑर्बिट, नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फ्री। जैसे हम कुछ टेम्परेचर देते हैं, जैसे हम कुछ टेम्परेचर देते हैं से रूम टेम्परेचर या थोड़ा सा भी कुछ भी टेम्परेचर दें, सो देन व्हाट हैपेंस, सम इलेक्ट्रॉन्स मूव। सम इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करिए, तो जितने होल्स क्रिएट हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। व्हाट हैपन एट टेम्परेचर, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। तो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, इवन एक बैंड में भी हर इलेक्ट्रॉन अलग एनर्जी लेवल होता है। तो उनमें से जो हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है, उनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो वो क्या होगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर गए। तो सम ऑफ द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड अकॉर्डिंगली इक्वल नंबर ऑफ होल्स आर क्रिएटेड। तो दिस इज इक्वल नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, एंड दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर मीन्स प्योर सेमी कंडक्टर, जितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी होल डेंसिटी। स्मॉल एन ई इज वॉट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन एच इज होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन मूव किए उतने ही होल्स क्रिएट हुए, तो देन अकॉर्डिंगली इट बिकम व्हाट, इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। राइट, नाउ जब ये प्रोसेस होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एंड जब रिवर्स प्रोसेस होगा, जब रिवर्स प्रोसेस होगा देन व्हाट विल हैपन, एनर्जी रिलीज होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एटम्स में
एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक लेवल से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करता है। दैट एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन की फॉर्म में रिलीज होती है, जो कि हमें एज एन एग्जाम्पल एलईडी मिलता है। एलईडी इज व्हाट? अ सेमीकंडक्टर इन विच दिस फिनोमेना इज गोइंग ऑन। द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड एंड देयर बाय रिलीज एनर्जी, दैट एनर्जी कम आउट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमको एक सेमीकंडक्टर से लाइट चाहिए तो हमें एनर्जी गैप उतना रखना पड़ेगा जितना लाइट का होता है। कितना होता है लाइट का? अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम का तो कितना होता है? 1.72, ठीक है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ और मिलाते हैं। ये बेसिकली होता है गैलियम, आर्सेनाइट एंड फॉस्फाइड। ये तीनों का एक कम मिक्सचर होता है, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शनेट में मिलाते हैं तो ये एनर्जी गैप वेरी करता है 1.2 टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। गैलियम, आर्सेनाइट, फॉस्फाइड, ये कंबाइन करके एक बनाते हैं। इतना क्लियर, राइट। अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत लो होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसमें इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। इम्प्योरिटी मिक्स करना इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज डोपिंग। डोपिंग इज व्हाट? डेलिब्रेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, डेलिब्रेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, बिकॉज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज एज गुड एज इंसुलेटर। क्योंकि जीरो केल्विन पे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है और रूम टेम्परेचर पे भी इतने कम होते हैं कि दे कैन नॉट कंडक्ट। वो जो करंट होगा उससे वो नेग्लिजिबल करंट होगा, ठीक है। करंट में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी और होल भी, करंट में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। सो डोपिंग में हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इंक्रीज द कंडक्टिविटी। दो टाइप की डोपिंग हम करते हैं, एक ट्राइवेलेंट 13th ग्रुप एलिमेंट एंड एक पेंटावेलेंट दैट इज 15th ग्रुप एलिमेंट। ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट, राइट। पहले तो डोपिंग करते कैसे हैं? डोपिंग करने के लिए जो हमारे पास मेथड है, वन इज मिक्सिंग ऑफ मेल्ट, यानी सेमीकंडक्टर और इम्प्योरिटी को मेल्ट कर दो और मिक्स कर दो, ठीक है। सेकेंड, हीटिंग इन इम्प्योरिटी एंड गैसेस। जो इम्प्योरिटी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैसेस इन ए चैम्बर, एक चैम्बर में गैसेस की फॉर्म में इम्प्योरिटी है, वहाँ पे हम सेमीकंडक्टर चिप को हीट करते हैं तो हीट करने से गैसेस उसके अंदर डिफ्यूज हो जाती है, सो दैट इज बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। एंड थर्ड, बाय बॉम्बार्डिंग, यानी जो इम्प्योरिटी आइटम है उसको बॉम्बार्ड कर दिया तो वो यूनिफॉर्मली उसके अंदर डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द थ्री मेथड्स। कोई भी एटम हम एज डोपेंट नहीं ले सकते, कोई भी एटम, क्यों? इट ऑल डिपेंड ऑन साइज ऑफ सेमीकंडक्टर एटम, राइट। हर एक एटम का एक क्रिस्टल लैटिस होता है, एक लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं, लाइक दिस इज ए क्यूबिकल लैटिस स्ट्रक्चर, दिस वे ये एक क्यूबिकल लैटिस स्ट्रक्चर है, राइट। सो ऑल एटम्स आर अरेंज्ड इन दिस मैनर, राइट। अगर हम एक बहुत बड़ा एटम इसमें डाल दें या एक बहुत छोटा एटम इसमें डाल दें तो क्या होगा, ये लैटिस के स्ट्रक्चर, इसके जो साइज है उसको खराब करेगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डैमेज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो जो डोपिंग वाला एटम है उसके एटम का साइज सेमीकंडक्टर एटम के साइज के बराबर होना चाहिए, इसीलिए हम क्लोज बाय ग्रुप लेते हैं 13th एंड 15th, ठीक है। तो उसके साइज का होना चाहिए,
वन थिंग, सेकेंड थिंग, ये एटम इसकी पोजीशन लेना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि जो हमारा डोपेंट एटम है वो कहीं अलग जगह घुस के बैठ जाए. ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट कि वो यहां कहीं बीच में घुस के बैठ गया. ठीक है, वो लैटिस में फिट होना चाहिए, लैटिस स्ट्रक्चर में. अदरवाइज क्या है, वो पूरा लैटिस को ऐसे डैमेज कर देगा, पूरा लैटिस का स्ट्रक्चर खराब कर देगा. राइट, तो ये एक हमें ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग द डोपिंग. द डोपेंट एटम शुड टेक द पोजिशन ऑफ द क्रिस्टल सेमीकंडक्टर एटम एंड द साइज ऑफ डोपेंट एटम मस्ट बी नियरली इक्वल टू द साइज ऑफ सेमीकंडक्टर एटम. इम्प्योरिटी कितनी मिक्स करनी चाहिए, यूजुअली 1 ppm. यूजुअली 1 ppm, यानी इम्प्योरिटी उतनी ही होनी चाहिए कि वो जो सेमीकंडक्टर की जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको डिस्ट्रॉय ना करें. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आटे में नमक डालते हैं तो नमक का टेस्ट चाहिए हमें, आटे की प्रॉपर्टीज मेंटेन होनी चाहिए. ठीक है, तो उसी तरह से दैट इज 1 ppm इज एक जनरल फिगर होती है जो हम जिसमें हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं. राइट, नाउ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी. Trivalent impurity has 3 electrons in outermost orbit. ठीक है, और जबकि सेमीकंडक्टर में कितने, 4. तो 3 electrons जो outermost orbit में 3 electrons है, ये तो bond में participate कर लेंगे, लेकिन ये वाला bond खाली रह गया. Right? This space is filled by an electron from silicon-silicon bond. ठीक है, ना दो टाइप के बॉन्ड है सिस्टम में आफ्टर डोपिंग. वन silicon-silicon bond एंड another silicon end. कोई एक नाम बताओ ट्राइवेलेंट का, 13th group का. बोरोन, एक सिलिकॉन बोरोन बैंड हो गया, बॉन्ड हो गया. ठीक है, एक तो बॉन्ड हो गया बिटवीन सिलिकॉन एंड बोरोन एटम, और एक हो गया सिलिकॉन सिलिकॉन एटम. इसमें एक वैकेंसी है, इसमें एक वैकेंसी है, लेकिन ये वैकेंसी नहीं रहेगी, ये फेल हो जाएगी. कहां से, इससे, यानी सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इसे वैकेंसी को फिल कर देगा. The vacancy will be created in silicon-silicon bond, and that vacancy is called hole. वो vacancy hole हो गई. तो holes कहाँ पे हैं? Holes are in semiconductor-semiconductor bond, not the semiconductor impurity bond, right? क्योंकि जो semiconductor impurity bond है, उसमें जो vacancy है, उसका energy level valence band से higher होता है, right? उसका एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड से हायर होता है. ठीक है, अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएं सेमीकंडक्टर का आफ्टर ट्राइवेलेंट ड्रॉपिंग, तो वी गेट वन मोर लेवल, दिस वन, राइट, वन मोर लेवल, और ये लेवल है इसका. ठीक है, एंड इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर लेवल. ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी थी, जैसे हम डॉपिंग करते हैं तो वैकेंसी कहां पे, इसमें है, लेकिन ये वैकेंसी यहां से इलेक्ट्रॉन जाके फिल कर देते हैं, तो देन वैकेंसी इज क्रिएटेड इन वैलेंस बैंड. राइट, ठीक है, सो देन व्हाट हैपेंस. अब जरूरी तो नहीं है कि सारे यही इलेक्ट्रॉन यहां पर जाए, some of these free electron may also come to this level to fill this vacancy. ठीक है, कुछ जो free electron थे, जरूरी थोड़ी है कि silicon silicon bond से आएगा electron, ऐसे तो कोई लिखा नहीं है. कुछ जो free electron थे वो भी उसमें enter कर सकते हैं to fill that vacancy. तो in general होगा क्या, this whole quantity increase होगी and the electron quantity decrease होगी. Right?
पूरे सिस्टम में होल की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी पहले बिफोर डोपिंग NeNH के बराबर था और ये Ni कहते थे हम इसको, ठीक है, बिफोर डोपिंग NeNH इक्वल था एंड दैट वाज इक्वल टू इंट्रिंसिक, एंड आफ्टर डोपिंग Ne मच लेसर देन NH बट द प्रोडक्ट इज मेंटेन्ड। यानी जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, पहले भी Ni स्क्वायर था और अभी भी Ni स्क्वायर है। सो दिस इज एक जनरल एम्पिरिकल रूल है कि द प्रोडक्ट रिमेन सेम, ठीक है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, होल डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करें तो इम्प्योरिटी एटम, इम्प्योरिटी एटम को हम दें तो नाम क्या देंगे, एक्सेप्टर एटम। वाई एक्सेप्टर एटम, बिकॉज एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम, ठीक है। क्योंकि पूरा थ्योरिटिकल है तो इसलिए नोट करने वाली सीक्वेंस में मैं नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, राइट। नोट्स हैं उससे पढ़ना प्रॉपरली। इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एटम, राइट। एवरी एटम एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, बट इट डज नॉट मीन इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, रहेंगे तो सिस्टम के अंदर ही ना, सिर्फ मूवमेंट हुआ इधर से उधर, ठीक है, सिर्फ मूवमेंट हुआ इधर से उधर, या तो वैलेंस बैंड से निकल के यहाँ गए या यहाँ से निकल के यहाँ गए, बट इन जनरल ओवरऑल नंबर ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहा ना, सो इट डजेंट मीन दैट डोपिंग से मटेरियल चार्ज हो गया, चार्ज नहीं हुआ, चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हुए। गेटिंग चार्ज इज अ डिफरेंट फिनोमिना, हैविंग चार्ज कैरियर इज अ डिफरेंट फिनोमिना। गेटिंग चार्ज मीन्स इम्बैलेंस अमंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ प्रोटोन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ठीक है। एंड चार्ज कैरियर होने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल बट सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, है सिस्टम में ही बट फ्री टू मूव। सो डोपिंग डज नॉट मीन दैट द सिस्टम इज चार्ज, इट इज न्यूट्रल, ओनली द चार्ज कैरियर्स आर एडिड, राइट। तो ओवरऑल एक तो ये क्या है, एक तो ये फॉर्मूला है, डोपिंग के बाद ये हुआ, ये फिनोमेना हुआ, ठीक है, एक नया लेवल इंक्रीज हो गया, एनर्जी गैप थोड़ा सा कम हो गया। कितना होता है ये गैप कम, ये होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग, नेग्लिजिबल होता है बट कॉन्सेप्चुअली तो थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, राइट। एंड होल डेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो इसमें जो मेजोरिटी कैरियर है वो होल्स है, बीइंग मेजोरिटी कैरियर एज होल्स तो हम इसको बोलते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमी कंडक्टर, करेक्ट। वट इफ वी डोप विद द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, एटम्स ऐड करते हैं, एटम एडिशन मींस इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इफ वी ऐड ओनली इलेक्ट्रॉन सो देन इट विल बी चार्ज्ड, ठीक है। पेंटावेलेंट ये हो गए 15th ग्रुप, विच वन इज फॉस्फोरस और एल्यूमिनियम, याद कर लो, आर्सेनिक, राइट। चलो पेंटावेलेंट में आउटर मोस्ट में पांच इलेक्ट्रॉन फोर इन बॉन्ड, चार बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, वन फ्री, तो हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। बट ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फ्री नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली फ्री है बट नॉट फ्री। ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, एंड एक नया लेवल यहाँ पे आ जाता है
डोनर लेवल एंड दिस इज वन फ्री एट डोनर लेवल. ये डोनर लेवल पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. तो यहां पे क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. तो हम जब एनर्जी देते हैं तो ये यहां मूव करेंगे बट नॉट नेसेसरी, कुछ यहां भी तो मूव कर सकते हैं, ठीक है. तो कुछ यहां पे मूव करेंगे, जो यहां पे मूव करेंगे वो होल्स कम कर देंगे, जो यहां पे मूव करेंगे वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर देंगे, ठीक है. तो इन जनरल व्हाट हैपेंस इन दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम मच मच ग्रेटर देन होल डेंसिटी. होल डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ये ध्यान रखना, ठीक है. तो मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव मेजॉरिटी कैरियर्स, दीज आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर. इनको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, करेक्ट, राइट. एंड बट द प्रोडक्ट रिमेन सेम, एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, राइट. नाउ कंडक्शन, जो करंट होती है, करंट इज सम ऑफ द टू करंट्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट, यानी बोथ पार्टिसिपेट इन द करंट. इट इज नॉट द करंट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन और बिकॉज ऑफ होल्स, द करंट इज बिकॉज ऑफ बोथ, राइट. द कंडक्टिविटी, जो सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है, ई दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच. म्यू मीन्स मोबिलिटी, मोबिलिटी, ठीक है. म्यू ई इज मच ग्रेटर देन म्यू एच, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स से बहुत ज्यादा होती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, ठीक है. वी नीड लेसर वर्क टू मूव इलेक्ट्रॉन. देखो होल्स का मूवमेंट नहीं होता, होल्स इज वॉट, होल्स इज अ वैकेंसी. तो होल इज नॉट अ पार्टिकल विच कैन मूव, राइट. सो देन होल्स में करंट कैसे होता है, होल में करंट होता है लाइक दीज आर सम ऑफ द होल्स, राइट. एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, फिर वो यहां से यहां गया, फिर वो यहां से यहां, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता जाता है विद इन होल्स, अपनी पोजीशन चेंज करता जाता है, ठीक है. इट इज समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे एक चेयर खाली है, ठीक है, और एक बच्चा इधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट वो जो वैकेंसी ऑफ चेयर, पोजीशन है चेयर पे जो वैकेंसी है वो शिफ्ट होती रहती है, राइट. तो इसलिए मोबिलिटी ऑफ होल्स बहुत कम होती है. इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? रिद्धि, शिवांशी, राइट. सो दिस वॉज द पार्ट विच इज रिलेटेड टू मेटेरियल. क्विकली इसके 15-20 क्वेश्चन है वो कर दो, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता. यू जस्ट नीड टू थिंक एंड करते जाना, राइट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इन सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमी कंडक्टर टेक प्लेस ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, राइट. An electric field is applied to a semiconductor, let the number of charge carrier be N and the average drift speed be V. If temperature is increased, temperature increase होने से N increase होता है और drift velocity decrease होती है. Temperature increase होता है तो N increase होता है, ठीक है, that is charge carrier, क्योंकि more will ionization will be more. And drift speed क्या होता है, वो decrease होती है, right. Number of electrons in the valence shell of a semiconductor are 4, correct? Yeah. A p-type semiconductor is
अनचार्ज्ड. इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर द एक्सेप्टर वैलेंस बैंड इज क्लोज टू वैलेंस बैंड, क्लोज टू वैलेंस बैंड ऑफ होस्ट क्रिस्टल, राइट? ठीक है. इन ए सेमी कंडक्टर एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इन एन इंसुलेटर द फॉरबिडन गैप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वॉट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए प्योर सेमी कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो? एट एब्सोल्यूट जीरो उसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता तो इनफाइनाइट. ठीक है, नो करंट कैन पास तो इनफाइनाइट. रेंडमनेस हो जाती है. टेम्परेचर से क्या होता है, जो आइटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन के कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं, राइट? टेंथ, इन एन टाइप सेमी कंडक्टर डोनर वैलेंस बैंड इज क्लोज टू कंडक्शन बैंड ऑफ होस्ट क्रिस्टल, राइट? इन एन टाइप सेमी कंडक्टर हाँ क्लोज टू द कंडक्शन, क्लोज टू द कंडक्शन बैंड ऑफ द, ठीक है, बिलो होता है कंडक्शन बैंड, क्या अबव नहीं होता है ना, राइट? इन एन टाइप सेमी कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरियर होते हैं, पेंटावेलेंट डोपिंग में होता है, डोपिंग तो इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरियर, ट्राइवेलेंट नहीं होता डोपेंट, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट आर डोपेंट, सो दिस इज ट्रू. ओके, टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर इज, टेम्परेचर कॉफिशियंट इज द रेजिस्टेंस चेंज करने वाला कॉफिशियंट, तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से कम होता है तो नेगेटिव होगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है तो नेगेटिव होगा, राइट? विच विल मेक एन टाइप सेमी कंडक्टर फॉस्फोरस. इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड, एंटीमनी कौन से ग्रुप में आ गया? 13 में ना, वो 15th में, 15th में, तो एंटीमनी विल मेक इट, देयर विल मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स. पेंटावेलेंट है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, देखो अब केमिस्ट्री मेरे को नहीं आती, मेरे से पंगे मत लेना केमिस्ट्री के मामले में, उधर देख लो, उधर देखो है तो एंटीमनी भी, देखो एन पी ए एस एस बी एंटीमनी इसमें है ही नहीं कहीं, एस बी क्या होता है, एस बी तो एंटीमनी होता है, मैं देख लूँ यार, मेरे को अब केमिस्ट्री पढ़वा के ही छोड़ोगे, एंटीमनी तो है एस बी, 15th ग्रुप में है, 15th ग्रुप में है, मैं सब कुछ बता देता हूँ तुम्हें इसका, चलो 51 वो है, 121.76 इसका मास नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 18 18 5, ये रहा, ये है एस बी होता है एंटीमनी, एस एन टिन होता है, 80 ये एस्टेटाइन है, कुछ भी तुम्हारे चलो एंटीमनी इज एस बी है ना, सो एंटीमनी इज पेंटावेलेंट, देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन देन होल इन सेमीकंडक्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? प्योर सिलिकॉन डॉप्ड विथ ट्राइवेलेंट इज गिव्स पी टाइप, तो ये ठीक है.
मेजोरिटी कैरियर इन एन टाइप आर होल्स, ये फॉल्स है, बस एक ही ढूंढना होता है, ठीक है। 18, सिलिकॉन एंड कॉपर, सिलिकॉन एंड कॉपर, देखो सिलिकॉन का टेम्परेचर कोफिशियंट नेगेटिव होता है, कॉपर का टेम्परेचर कोफिशियंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। टू ए टेम्परेचर आर कूल्ड, ठंडा किया तो सिलिकॉन का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो देन रेजिस्टिविटी फॉर सिलिकॉन इंक्रीज एंड फॉर कॉपर डिक्रीज। 19, डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल आयंस, राइट, आर्सेनिक एन टाइप, ओके हो गया। किसका 14 का सेकेंड, ओके अभी मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली गलती से घुस गया उसके अंदर क्वेश्चन, ये डिप्लीशन रीजन अभी पढ़ा नहीं, ठीक है अभी पढ़ेंगे, हो जाएगा। 15th, इन द एनर्जी बैंड डायग्राम, इसमें देखो होल्स ज़्यादा है ना, ये होल्स ज़्यादा है, दिख रहे ये होल्स, ये ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ, पी टाइप, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स दो ही दिख रहे हैं, होल कितने हैं, 6। एनर्जी गैप तो दे नहीं रखा ना कितना है, ये तो वो स्पेसिफाई करते तो हम बात करते, ठीक है ना, ऐसे देख के नहीं बता सकते कम ज्यादा, राइट। 16, चूज ओनली फॉल्स स्टेटमेंट, सब्सटेंस विद एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर, ट्रू। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट्स ट्रू। इन कंडक्टर द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड में ओवरलैप, दैट इज ट्रू। द रेजिस्टिविटी ये उल्टा है ना, द ओनली फॉल्स इज 4। होल्स आर ड्यू टू मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल्स, हो गया क्लियर, ठीक है। एक 21 देख लो, इन सेमी कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, इन सेमी कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एट रूम टेम्परेचर, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच गए तो वैलेंस बैंड में कुछ वैकेंसी हो गई, और कंडक्शन बैंड में तो वैकेंसी होती ही है, थोड़ा सा फिल हो गया, राइट। तो वैलेंस बैंड इज कंप्लीट, नहीं, वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट। पढ़ें आगे, ओके। नाउ पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने बना दिए, ना तो अकेला पी हमारे काम का है ना अकेला एन हमारे काम का है, तो व्हाट वी हैव इज ए पी एन जंक्शन, अ पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन कैसे क्रिएट होता है, राइट, 50% डोप किया ट्राइवेलेंट से एंड 50% डॉप किया पेंटावेलेंट से, राइट, 50% डॉप किया पेंटावेलेंट से, ओके। नाउ इसमें हम कुछ टर्म यूज करेंगे, पहले उसको समझो। वन टर्म इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, मूवमेंट ऑफ मेटीरियल फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, ड्रिफ्ट रिवर्स, दैट इज लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी, राइट। अब डिफ्यूजन में क्या क्या आएगा, देखो डिफ्यूजन में पी में कौन हाई डेंसिटी है, होल्स, पी में हाई डेंसिटी क्या है, होल्स, तो होल्स पी टू एन,
इलेक्ट्रॉन में हाई डेंसिटी क्या है, वो एन में हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन एन टू पी, ये तो हुआ डिफ्यूजन। एंड व्हाट अबाउट ड्रिफ्ट, इसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन्स पी टू एन एंड होल्स एन टू पी, ये ड्रिफ्ट मूवमेंट है, राइट। डिफ्यूजन मूवमेंट एंड ड्रिफ्ट मूवमेंट, दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। यानी चार्ज कैरियर दोनों साइड मूव करेंगे, पी से एन में भी, इलेक्ट्रॉन पी से एन भी जाएगा, इलेक्ट्रॉन एन से पी भी जाएगा, राइट। रीजन कुछ भी हो, रीजन आई स्पेसिफाई क्यों होता है। देखो जैसे ही ये पी एन जंक्शन फॉर्म हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे, राइट। क्योंकि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी मूवमेंट इज ऑब्वियस फिनोमेना, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे एंड होल्स इधर से इधर मूव करेंगे, दैट इज व्हाट अ डिफ्यूजन करंट विल टेक प्लेस। एक डिफ्यूजन करंट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाएंगे एंड यहां कुछ भी नहीं बचेगा। इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो गए, यहां पे कुछ भी नहीं बचा, तो दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, राइट। सो इनिशियली ओनली डिफ्यूजन, इनिशियली ओनली डिफ्यूजन, क्योंकि ड्रिफ्ट तो हमें करना पड़ेगा ना, ड्रिफ्ट अपने आप होगा नहीं। लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी मूवमेंट इज नॉट ए नेचुरल फिनोमेना, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी इज ए नेचुरल फिनोमेना। तो पहले डिफ्यूजन होगा, अब जैसे ही डिफ्यूजन होगा देन वी विल हैव अ स्पेस चार्ज, दिस इज कॉल्ड स्पेस चार्ज, दिस इज नॉट ए चार्ज कैरियर। द स्पेस चार्ज इज द स्पेस एक्वायर्ड अ चार्ज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ चार्ज कैरियर, राइट। द इलेक्ट्रॉन हैज मूव फ्रॉम दिस रीजन टू अदर रीजन, तो दिस स्पेस एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिव चार्ज नियर द जंक्शन अपीयर एंड इन द एन रीजन एंड नेगेटिव चार्ज अपीयर इन द पी रीजन नियर द जंक्शन, राइट। दिस इज ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है। नाउ दिस चार्ज कैरियर, दिस चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन है उस पे इधर फोर्स लगाएगी और जो होल है उस पे इधर फोर्स लगाएगी, राइट। सो दिस विल रिटार्ड द डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिफ्यूजन को स्लो डाउन करेगी, राइट। तो क्या है, जैसे डिफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, राइट, इट इज समथिंग लाइक दैट। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, अगर मैं उसकी बात करूं ग्राफ के टर्म्स में, तो इट इज समथिंग लाइक दैट। अभी ये बहुत हाई थी एंड धीरे 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 ये कम होती गई, राइट, धीरे धीरे कम होती गई, ओके। तो क्यों कम हो रही है, क्योंकि जो डिफ्यूजन से स्पेस चार्ज क्रिएट हुआ उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन का अपोज कर रही है, राइट। तो डिफ्यूजन रेट ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएगी। ऑन द अदर हैंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे इधर ऊपर इधर फोर्स लगाएगी और होल्स पे इधर फोर्स लगाएगी, तो दिस विल कंपेल द माइनॉरिटी कैरियर, दिस विल कंपेल द माइनॉरिटी कैरियर टू मूव द अदर रीजन, राइट। सो देन व्हाट विल हैपन, द डिफ्यूजन विल गो लाइक दिस, द ड्रिफ्ट विल गो लाइक दिस, राइट। इनिशियली ड्रिफ्ट इज जीरो, डिफ्यूजन इज हाई, देन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट को सपोर्ट करेगी और डिफ्यूजन को अपोज करेगी, देन डिफ्यूजन रेट कम हो जाएगी एंड ड्रिफ्ट रेट बढ़ जाएगी,
एक पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। अब ये इक्वल हो गई तो नाउ इक्वल अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर हो गया फ्रॉम द बोथ रीजन। डिफ्यूजन रेट इक्वल्स द ड्रिफ्ट रेट, मींस जितने इलेक्ट्रॉन एन से पी में गए थे बाय डिफ्यूजन, दोज हैज कम बैक टू एन बाय द ड्रिफ्ट। सो नाउ द स्टेबिलिटी इज देयर, अब स्टेबिलिटी हो गई, ठीक है। स्टेबिलिटी कब होती है? जब ड्रिफ्ट रेट डिफ्यूजन रेट के इक्वल हो जाती है, राइट। डिफ्यूजन कॉजेस डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट कॉजेस ड्रिफ्ट करंट, दो करंट होती है। डिफ्यूजन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मेजोरिटी कैरियर, तो डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ मेजोरिटी कैरियर। ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, तो ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, राइट। इतना समझ में आ गया? अब ये मूवमेंट बंद हो गया, मूवमेंट नेट टर्म्स में बंद हुआ, बट मूवमेंट कभी बंद नहीं होता, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन चलता रहता है, बट वो इक्वल रेट में है, तो इसलिए हम बोलते हैं सिस्टम स्टेबल हो गया। तो जब सिस्टम स्टेबल हो गया आफ्टर दैट, राइट, इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट, राइट। ये सब तुमने पढ़ा हुआ है तो आई एम लिटिल फास्ट ऑन दिस, बट उसके बाद जैसे ही ये पीएन जंक्शन खत्म होगा आई विल गेट स्लो ऑन माय ओन, ओके। इन स्टेडी स्टेट हमें जो मिलता है वो है तीन पार्ट, एक दो तीन, ये डिप्लीशन रीजन है। इसमें ये स्पेस चार्ज होने की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है जिसको हम बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। व्हाई वी से द बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि ये पोटेंशियल एक बैरियर का काम करता है। इट डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन। एंड रिमेंबर कॉन्सेप्चुअली मूवमेंट है बट नॉट नेट मूवमेंट, तो हम नेट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो इट डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर, राइट। ये एक बहुत थिन रीजन होता है, इसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता, फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर। तो इट कंसिस्ट इमोबाइल आयन, राइट, इट कंसिस्ट इमोबाइल एटम्स, इसमें कुछ भी नहीं है चार्ज कैरियर। हाँ, अगर हम इस रीजन में एनर्जी डाल दें तो क्या होगा? तो बॉन्ड ब्रेक्स हो जाएंगे। इस रीजन में हम अगर एनर्जी डाल दें तो यहाँ पे क्या है, जो बॉन्ड बिल्ड हो गए थे इलेक्ट्रॉन और होल के कॉम्बिनेशन से, वो वापस ब्रेक हो जाएंगे। सो दिस एनर्जी विल कॉज एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट की गई, विच इज़ द कॉन्सेप्ट यूज इन फोटोडायोड एंड द सोलर सेल। सोलर सेल और फोटोडायोड में हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जो बैरियर है, जो डिप्लीशन रीजन है, उसको एनर्जी देते हैं तो वहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों मिलते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द स्टेडी स्टेट। अगर हम इस रीजन में पोटेंशियल को देखें, ये जंक्शन ये है, तो अगर हम पोटेंशियल वेरिएशन देखें तो इट इज लाइक दिस, ये जीरो पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल। रिमेंबर मैनी टाइम्स हम इसको ऐसे बैटरी की तरह दिखाते हैं, बट इट इज नॉट ए बैटरी, इट इज जस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड इन अ रीजन, राइट। हम बहुत बार इसको एक बैटरी की तरह, सेल की तरह रिप्रेजेंटेशन देते हैं, बट इट इज नॉट ए सेल, इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड इन अ पर्टिकुलर रीजन। एंड दिस इज हाउ मच, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट, राइट, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट। तो अगर हमें करंट चाहिए तो हमें ये बैरियर ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के लिए हमें कम से कम इतना वोल्टेज देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए सेमी कंडक्टर डू नॉट अलाउ करंट एट एनी वोल्टेज, लाइक द कंडक्टर में करंट किसी भी वोल्टेज पे होती है, इफ यू गिव द माइक्रो वोल्ट तो भी करंट होगी, लेकिन सेमी कंडक्टर में जब तक आप 0.7 वोल्ट नहीं दोगे करंट नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए इस बैरियर को ब्रेक होना जरूरी है। इतना समझ में आ गया, राइट। अब ये पीएन जंक्शन में अगर हम दोनों साइड एक मेटलिक कॉन्टैक्ट लगा दें, मेटलिक कॉन्टैक्ट, और ये ऐसे टर्मिनल हो गया, देन इट इज बिकम ए डायोड, जिसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, या सिंपली डायोड, या जंक्शन डायोड, कुछ भी, ये सिंपली डायोड। इट इज ए टू टर्मिनल डिवाइस, राइट। इतना क्लियर? इसमें कुछ पूछना है? नहीं। नाउ जब हम इसको डायोड बोलते हैं तो देन इट इज अ सिंबल लाइक दिस, दिस इज द सिंबल, दिस रिप्रेजेंट पी एंड दिस रिप्रेजेंट एन, ठीक है, ओके। अब इसमें करंट फ्लो कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम इस तरह से सेल कनेक्ट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर हम अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करते तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग, दिस कॉल्ड रिवर्स बायसिंग, राइट। सो फॉरवर्ड बायसिंग में पी विद पॉजिटिव टर्मिनल, एन विद नेगेटिव टर्मिनल, रिवर्स बायसिंग उसका उल्टा, ठीक है। अभी इसका वर्किंग समझते हैं इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, राइट। ये हमारा सेमी कंडक्टर है, ये हमारा डिप्लीशन रीजन है, यहां पे हमने पोटेंशियल किया। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में समझ लो या बैरियर पोटेंशियल के टर्म्स में समझ लो, ये बैरियर फील्ड है, ठीक है, और ये अप्लाइड फील्ड है, राइट। एट दिस पोजीशन नेट फील्ड इज ई बी माइनस ई नॉट, नेट फील्ड इज ई बी माइनस ई नॉट। अब अगर ये फील्ड इक्वल हो गई दोनों ए बी और ई नॉट तो नेट फील्ड जीरो। ये जो फील्ड थी ये क्या कर रही थी, ई बी का काम क्या था, डिफ्यूजन को कम कर रही थी और ड्रिफ्ट को बढ़ा रही थी, और अगर हम इसको खत्म कर दें तो रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये फील्ड ओवरकम होती है विच विल हैपन अबव 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट पे आके ये फील्ड ओवरकम हो जाएगी, राइट। अगर हम कम वोल्टेज देते हैं 0.7 से कम तो उसमें क्या होगा, ये बैरियर थिन हो जाएगा, बैरियर थोड़ा पतला हो जाएगा, डिफ्यूजन थोड़ा बढ़ जाएगा, ड्रिफ्ट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन वो करंट नेग्लिजिबली स्मॉल होती है। इट इज़ नॉट द जस्ट फ्री फ्लो ऑफ करंट, इट इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट, तो ऑलमोस्ट जीरो इज टेकन दैट, राइट। जैसे ही बैरियर ओवरकम हुआ डिफ्यूजन विल शूट एंड देन अ करंट विल शूट ऑलमोस्ट फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन कर्व, दैट इज ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स इन सेमीकंडक्टर इज बेसिकली आई वी कर्व, वोल्टेज के साथ करंट का ग्राफ। तो ये आई और ये वी, तो देन इट इज समथिंग लाइक दैट, अप टू 0.7 वोल्ट देर इज ऑलमोस्ट जीरो करंट एंड देन इट गोन लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड नी वोल्टेज, नी वोल्टेज, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट, करेक्ट। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट इन फॉरवर्ड बायसिंग, डिफ्यूजन इज मोर देन ड्रिफ्ट, द करंट इज ड्यू टू डिफ्यूजन, राइट। बैरियर इज ओवरकम एट अ सर्टेन वोल्टेज कॉल्ड एज नी वोल्टेज, व्हेन बैरियर इज ओवरकम इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, दैट इज फॉलोइंग द ओम्स लॉ, करेक्ट। इतना क्लियर? अब इसके अपोजिट अगर हम चले,
इसके अपोजिट अगर हम चलें मींस हम बैटरी लगाएं रिवर्स, तो सोचो क्या होगा, ये फील्ड इधर हो गया और ये ऐड हो गया, है ना, दोनों फील्ड ऐड हो गई, तो क्या होगा, डिफ्यूजन कम हो जाएगा, ड्रिफ्ट इंक्रीज हो जाएगा। अभी जो बैलेंस था ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन कम हो जाएगा और ड्रिफ्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो करंट किस वजह से होगा, ड्रिफ्ट की वजह से, यानी माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, करेक्ट। और माइनॉरिटी कैरियर बहुत कम क्वांटिटी में है, वो तो बहुत कम क्वांटिटी में है, तो क्या होगा, करंट सैचुरेट हो जाएगा। जब हम कैरियर लार्ज नंबर क्वांटिटी में नहीं होते तो करंट सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। और सैचुरेशन इज ए रेगुलर फिनोमिना ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी इनिशियली वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा बट फिर एकदम से ये सैचुरेट हो जाएगा। अब अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो एक पॉइंट पे ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। कैसे, ये बहुत अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करना शुरू कर देगी ऑर्बिट से, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नॉकआउट करना शुरू कर देगी, एंड इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, एंड दोज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से नॉकआउट किए वो फर्दर कोलाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को से, और वो उनको बाहर निकाल देंगे, तो एक एवलॉन्च काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मींस एक्सपोनेंशियल राइज ऑफ चार्ज कैरियर, और उससे करंट एकदम शूट करना शुरू हो जाती है, एंड वी से द ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस, और करंट इंक्रीजेस शार्पली विदाउट एनी चेंज इन वोल्टेज, यानी वोल्टेज इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट बट करंट कीप ऑन इंक्रीजिंग, बिल्कुल वैसे ही जैसे एवलॉन्च होता है, कभी देखा है पहाड़ों पर कैसे होता है, ऊपर से कुछ गिरता है वो नीचे वालों को और इकट्ठा करते 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 वो धीरे 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 बहुत बड़ा होता जाता है, राइट। तो इसी तरह से ये कुछ इलेक्ट्रॉन निकले वो और इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, वो और इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो ऐसे एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएगा, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन, राइट। सो दिस इज वॉट ब्रेकडाउन वोल्टेज, ऑल्सो नोन एज जीनर वोल्टेज, ऑल्सो नोन एज जीनर वोल्टेज, राइट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना समझ में आया, राइट। इस फिनोमिना को यूज करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस में, एक सेमीकंडक्टर, एक डायोड होता है दैट इज कॉल्ड जीनर डायोड, जीनर डायोड, इट इज मेड टू वर्क ऑन द रिवर्स वोल्टेज, यानी इट इज मेड टू वर्क ऑन ब्रेकडाउन, यानी उसे हम बनाते ही ब्रेकडाउन के लिए। नॉर्मल डायोड इफ इट इज नॉट ए जीनर डायोड इज ए स्पेशली डिजाइन डायोड, नॉर्मल डायोड अगर हम ब्रेकडाउन वोल्टेज तक ले गए तो डैमेज हो जाएगा, उसके बाद रीयूज नहीं हो सकता, लेकिन जीनर डायोड ब्रेकडाउन के बाद रीयूज हो जाता है, यानी वो बना ही ब्रेकडाउन पर्पज के लिए, ठीक है। तो उसमें हम ब्रेकडाउन करा के इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है बहुत वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे जैसे करंट बढ़ेगा, तो वोल्टेज सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें उनमें एक वोल्टेज प्रोटेक्शन चाहिए, तो वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम जीनर डायोड यूज़ करते हैं। लाइक ये मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको मैं नाम दे रहा हूं लोड, इसको मुझे कुछ वोल्टेज देनी है, ठीक है। व्हाट आई वांट इज वो वोल्टेज ज्यादा ना मिले, वो वोल्टेज ज्यादा ना मिले, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक जीनर डायोड लगा दूंगा। जीनर डायोड का सिंबल ऐसे होता है, वो जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, इसको ऐसे कर्व कर देते हैं, ऐसे कर्व कर दिया, तो दैट इज ए जीनर डायोड। तो यहां पे एक जीनर डायोड लगा दिया, एंड एक यहां पे रेजिस्टेंस लगा दिया, सीरीज रेजिस्टेंस, ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है, एंड यहां पे वोल्टेज लगा दी, दिस इज इनपुट वोल्टेज,
और यहाँ पे मुझे आउटपुट वोल्टेज फिक्स चाहिए, ठीक है। तो ये जीनर डायोड कैसे काम करता है, देखो, अगर मुझे ये आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट चाहिए तो मैं ये 5 वोल्ट जीनर लूँगा, एक ऐसा जीनर डायोड जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट हो। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रिएट किया जा सकते हैं, मतलब वो डिज़ाइन कर देते हैं 5 वोल्ट जीनर, 7 वोल्ट जीनर, 10 वोल्ट जीनर, 12 वोल्ट जीनर, तो वो उतनी वोल्टेज पे उसका ब्रेकडाउन होगा, राइट। तो जो मुझे वोल्टेज चाहिए उतनी वोल्टेज का एक डायोड यूज़ करेंगे, जीनर डायोड, राइट। अब इस करेक्टरिस्टिक्स को हम यूज़ करते हैं कैसे, देखो, जब ये वोल्टेज 5 वोल्ट से कम है, ठीक है, मुझे यहाँ 5 से ज़्यादा नहीं चाहिए। जब ये वोल्टेज 5 से कम है तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इसमें से तो ये करंट जा रही है और ये करंट कितनी है, नेग्लिजिबल। तो जो करंट जा रही है वो ऐसे इसमें जा रही है, ठीक है, और ये करंट बहुत कम है, लोड करंट। तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो होगी इनपुट वोल्टेज माइनस वोल्टेज अक्रॉस दिस, इसमें से इतनी वोल्टेज कम हो गई और ये नेग्लिजिबल है। तो इनपुट वोल्टेज इज नियरली इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज, सॉरी, आउटपुट वोल्टेज इज नियरली इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, कब, जब तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ठीक है। अब मान लो ये वोल्टेज 7 वोल्ट हो गई, देन व्हाट विल हैपन, इसका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन हुआ, ये करंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ये करंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो ये वोल्टेज बढ़ेगी, क्योंकि ये करंट कहां से आई, इधर से, ठीक है। ये करंट, अभी मैं मैथमेटिकली बताता हूं, एक बार ऐसे समझो, ये करंट इधर से आई, तो यहां पे जब करंट बढ़ गया तो ये पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ गया, तो फाइनली यहां पे तो वोल्टेज 5 ही रहेगा ना, क्योंकि वो वोल्टेज चेंज नहीं होगा करंट बढ़ने से। आप इनफाइनाइट करंट कर दो लेकिन वोल्टेज कितना रहेगा, 5। तो जितना भी ये एडिशनल वोल्टेज है 2 वोल्ट, ये कहां ड्रॉप हो जाएगा, यहां पे। अगर ये 10 वोल्ट देंगे तो यहां कितना वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो यहां पे हमें हमेशा 5 वोल्ट मिलेगा। तो इसलिए इस जीनर डायोड को हम एज ए सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, उसमें सबसे पहले जीनर लगाते हैं, और इसका काम क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल करना, वोल्टेज रेगुलेट करना, ठीक है। तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए होता है, कब, जब अगर बहुत ही हाई वोल्टेज हो गई ना, तो ये मतलब ये पूरे सिस्टम को बंद कर देगा, ठीक है, जीनर डायोड, ठीक है, राइट। अब इसको मैथमेटिकली नोट कर लो, RS this is I, this is IZ, this is RL, IL, और ये देखो ये रिवर्स बायसिंग में लगा है, देख रहे हो ना, VI, और ये VO, ये इसका सर्किट डायग्राम है। हो गया,
ओके, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज भी लिख लो. लेट वी जेड इज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज. VZ is Zener breakdown voltage. Correct. I is equal to IZ plus IL. ठीक है. VO is equal to VI minus IRS. ये mathematical formulas हुए. ठीक है. जो आउटपुट वोल्टेज है इनपुट माइनस दिस आउटपुट, ये लोड में तो हमें चाहिए ना वोल्टेज. ठीक है. नाउ फर्स्ट व्हेन वी आई लेस देन वी जेड. ठीक है. जो जीनर वोल्टेज है उससे कम है तो क्या होगा? आई जेड is equal to 0, I is equal to IL, ठीक है. So IRS is very small and VO is nearly VI. समझ गए रिद्धि शिवांशी? नाउ सेकेंड पार्ट. व्हेन वी आई ग्रेटर वी जेड IZ increase so that I and IRS increase such that VO is equal to VI minus IRS is equal to VZ. ठीक है. राइट. एक दो तीन स्पेशल पर्पस डायोड है वो मैं क्विकली बता देता हूँ, फिर ये डायोड वाला फिनोमेना खत्म हो जाएगा. ठीक है. देन कल फिर ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं. ओके ये हो गया रिद्धि शिवांशी? राइट. ये नोट्स में ना तुम्हें अभी डिजिटल भेज दूंगा, प्रिंटेड परसों मिलेंगे, है ना? ओके. बहुत बड़ा है. ठीक है. जब पढ़ते थे तो इतना सा होता था. राइट. चलो ये मैंने बता दिया जीनर डायोड, है ना? ये जीनर डायोड मैंने अभी समझा दिया. ठीक है. ये जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये करेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायसिंग में, ये सिंबल, और ये वही जो मैंने सर्किट बनाया था, ये RS, RL, IL, IZ, है ना? और राइट. नाउ दिस इज फोटोडायोड. फोटोडायोड में हम क्या करते हैं? फोटोडायोड को हम बायस करते हैं और रिवर्स बायस करते हैं. ठीक है. इसके डिप्लीशन रीजन पे हम लाइट डॉल फॉल कराते हैं एनर्जी, उससे
होल पेयर, होल इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट होता है, ठीक है। होल इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों चीज़ें आती हैं, मेजॉरिटी कैरियर भी और माइनॉरिटी कैरियर भी। लेकिन जो मेजॉरिटी कैरियर में चेंज है वो नेग्लिजिबल होता है और माइनॉरिटी कैरियर में चेंज अप्रिशिएबल होता है। तो हम माइनॉरिटी कैरियर के चेंज को मेजर कर सकते हैं, मेजॉरिटी कैरियर के चेंज को लाइट से मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो नेग्लिजिबल चेंज है। तो हम माइनॉरिटी कैरियर के में चेंज को मेजर करते हैं और वो किससे होता है, ड्रिफ्ट करंट से, ठीक है। तो ड्रिफ्ट करंट ज़्यादा तो माइनॉरिटी कैरियर ज़्यादा, या माइनॉरिटी कैरियर ज़्यादा तो ड्रिफ्ट करंट ज़्यादा। तो इसलिए हम फोटोडायोड को रिवर्स बायसिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिक पर्पज ऑफ यूजिंग ए फोटोडायोड इन रिवर्स बायसिंग इज वी वॉन्ट ड्रिफ्ट करंट बिकॉज वी नीड टू मेजर द चेंज इन ड्रिफ्ट करंट। वी डोंट वॉन्ट डिफ्यूजन करंट बिकॉज चेंज इन डिफ्यूजन करंट इज नेग्लिजिबल, इट इज ऑलमोस्ट सेम। सो वी कैन नॉट मेजर द चेंज इन डिफ्यूजन करंट, वी कैन मेजर चेंज ओनली इन ड्रिफ्ट करंट, राइट। दैट इज वाई दिस जो करेक्टरिस्टिक्स है वो रिवर्स बायसिंग करेक्टरिस्टिक्स है। ये आई वन इंटेंसिटी पे है, आई टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी लाइट की बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कैरियर्स बढ़ेंगे, तो जितना इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है उतना ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ता जा रहा है। ओब्वियसली सेचुरेट तो होता ही होता है रिवर्स करंट, ठीक है। तो हम सेचुरेशन करंट को ही मेजर करते हैं कि जो फाइनली सेचुरेशन करंट है वो अगर डबल हो गया तो इट मीन्स इंटेंसिटी डबल हो गई। सेचुरेशन करंट अगर डबल हो गया तो इंटेंसिटी डबल हो गई, राइट। दिस इज व्हाट इज फोटोडायोड। एलईडी आई टोल्ड यू दैट इज इन फॉरवर्ड बायसिंग यूज करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग किस वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन में मेजॉरिटी कैरियर का मूवमेंट होता है। मेजॉरिटी कैरियर मूवमेंट को समझो, मेजॉरिटी कैरियर मूवमेंट मीन्स व्हाट, होल्स पी टू एन, इलेक्ट्रॉन्स एन टू पी। तो ये क्या है, ये आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन आर मूविंग टूवर्ड्स होल, तो दे आर मूविंग फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड एंड दे आर बाई दे रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज करते हैं। तो एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में लगाते हैं। जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। इसमें जो वेवलेंथ रिलीज होती है दैट इज 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर, राइट। और ये गैलियम आर्सेनाइड एंड फॉस्फोरस के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, ठीक है। लाइक गैलियम तो मेन हो गया सेमीकंडक्टर, देन 60% आर्सेनाइड एंड 40% फॉस्फोरस, इस तरह से मिक्स किया तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया और ये रेड कलर की एलईडी देगा, ठीक है। इससे रेड कलर की एलईडी मिलेगी, समझ में आ गया, राइट। द थर्ड डिवाइस इज सोलर सेल। देर इज नॉट मच डिफरेंस इन द सोलर सेल एंड फोटोडायोड, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज फोटोडायोड इज बायस्ड, फोटोडायोड इज रिवर्स बायस्ड, सोलर सेल इज अनबायस्ड, ठीक है। सोलर सेल इज अनबायस्ड तो इसमें क्या होता है, सेम वही फिनोमेना लाइक लाइट डिप्लीशन लेयर पे फॉल की, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लीशन रीजन में एन टू पी रीजन, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगी, होल पे फोर्स इधर लगी, सो दिस दिस एंड गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस एंड गेट नेगेटिवली चार्ज, तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, तो एक सेल की तरह काम करने लगा। सेल में जो हम केमिकल सेल पढ़ते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से ईएमएफ होता है, इसमें ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर ईएमएफ क्रिएट हो गया। इसको फिर हम लोड से कनेक्ट करेंगे तो करंट का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, ये नहीं इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया एंड देन इधर से इधर गया, सो देन इस तरह से मूवमेंट करंट फ्लो हो गया। अगर हम एक लाइट या फैन या कुछ भी लगाते हैं तो वो करंट फ्लो हो जाएगा, राइट। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। व्हाई इट इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, अभी तक हमने कोई भी करेक्टरिस्टिक्स थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं बनाई, राइट, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि लाइक किसी भी सिस्टम में करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है,
इन ए सोर्स करंट फ्लो इज नेगेटिव टू पॉजिटिव. इन ए सोर्स करंट फ्लो इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो अकॉर्डिंगली करंट कम्स इन नेगेटिव जोन. तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आता है. ये पॉइंट है ओपन सर्किट वोल्टेज. याद करो सेल का ईएमएफ. व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ ऑफ सेल इज पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज. तो ये इसका ईएमएफ है. जैसे जैसे करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाता है, राइट? तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे करंट का फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जा रहा है. और जब हम इसको ज्वाइन कर दें बिना रेजिस्टेंस के, बिना रेजिस्टेंस के ज्वाइन कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया. पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो करंट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट. सो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट, राइट? ठीक है, और कुछ पूछने? नहीं, ये पूरा मैंने मेटेरियल एंड जंक्शन डायोड वाला कर दिया. ठीक है, क्विकली 5-7 क्वेश्चन करो फिर चलते हैं. ठीक है, अच्छा इसी में तो है. ट्वेंटी टू से इफ टू एंड्स ऑफ ए पी एन जंक्शन आर ज्वाइंट बाई अ वायर, कुछ भी नहीं होगा, कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो कुछ भी नहीं होगा. कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा? देयर विल नॉट बी अ स्टेडी करंट. हाँ, कोई करंट नहीं होगा तो फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, ट्वेंटी थ्री, डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड, कब? फॉरवर्ड बायसिंग में. जब जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा होता है. ओके, 24, द ड्रिफ्ट करंट इन ए पी एन जंक्शन इज, ड्रिफ्ट करंट होता है मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर. ठीक है, तो माइनॉरिटी कैरियर में किधर से किधर को मूव करेंगे? होल्स एन टू पी, होल्स मूव करेंगे एन टू पी. ठीक है, और जो करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर. तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर एन टू पी हुए, तो एन से पी की तरफ करंट फ्लो करेगा. तो करंट विल फ्लो फ्रॉम एन टू पी साइड फर्स्ट, है ना? और ड्रिफ्ट करंट उल्टा किधर हो जाएगा? P टू N. ठीक है, 29, द पॉजिटिव टर्न इन फॉरवर्ड बायसिंग, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू P एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू N, तो कौन सा हुआ? हाँ, डिप्लेशन रीजन थिन हो जाता है. ठीक है, तो कौन सा होगा? सी. फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन रीजन थिन होता है, रिवर्स बायसिंग में वाइड होता है. हो गया, 26, इन फॉरवर्ड बायस ऑन पीएन जंक्शन इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 0.04 volt. If the forward bias on PN junction is increased from zero, then no current flow in the circuit. यानी इतने वोल्टेज तक करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इट मीन्स पोटेंशियल, जो बैरियर पोटेंशियल है वो इससे ज़्यादा ही होगा. अगर इतनी वोल्टेज तक करंट फ्लो नहीं हो रहा तो मतलब बैरियर पोटेंशियल इससे ज़्यादा ही होगा, है ना? तो कितना होगा? मोर देन 0.04. 27, इन रिवर्स बायसिंग डिप्लेशन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीज, राइट? पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होएगा,
सेकेंड ऑप्शन राइट। वो रेजिस्टेंस है, वहाँ तो कोई कैरियर ही नहीं है ना, तो रेजिस्टेंस का कोई वो ही नहीं है। 28, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड ऑन, तीनों पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है, अमाउंट ऑफ डोपिंग एंड टेम्परेचर, तीनों चीजों पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पोटेंशियल बैरियर थिन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर से आयनाइजेशन होता है, तो ये तीनों पे डिपेंड करेगा, दैट इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राइट। 29 हो गया था, 30, अ सेमी कंडक्टिंग डिवाइस इज कनेक्टेड इन ए सीरीज इन सर्किट विद अ बैटरी एंड अ रेजिस्टेंस, अ करंट इज अलाउड टू पास थ्रू द सर्किट इफ द पोलरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स्ड। ये तो पी एन जंक्शन डायोड ही हो गया ना, पी एन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बाइसिंग में तो करंट होता है, रिवर्स बाइसिंग में करंट नहीं होता, सो दिस इज अ पी एन जंक्शन। समझ में आ रहा है ना, इन ए पी एन जंक्शन। नाउ 31, द कॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन ए पी एन डायोड इज, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नियर जंक्शन, दैट इज क्रिएशन ऑफ स्पेस चार्ज नियर द जंक्शन राइट, बिकॉज ऑफ स्पेस चार्ज नियर जंक्शन। 32, व्हेन ए पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बाय द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द जंक्शन इज मेनली ड्यू टू ड्रिफ्ट चार्ज, दैट इज बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट राइट। रिद्धि शिवांशी ओके। 33 राइट, 33। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है ओके। नाउ व्हाट डज द आइडियल डायोड मींस, आइडियल डायोड मींस जीरो रेजिस्टेंस राइट, यानी जब फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10, 4 वोल्ट इधर माइनस 6 इधर, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 10, रेजिस्टेंस कितना 1 किलो ओम, तो करंट कितना वी बाई आर, 10 वोल्ट अपॉन 10 टू द पावर 3, 1 किलो ओम इज 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर माइनस 2 फर्स्ट, ठीक है। इसकी डायोड के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बिल्कुल करंट के सर्किट की तरह होते हैं, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा, आइडियल डायोड है तो जीरो रेजिस्टेंस, अगर डायोड में पोटेंशियल बैरियर का वो दे रखा है, सपोज 0.5 यहाँ पे दे देते तो हम क्या करते हैं, इस 10 में से 0.5 कम कर देते हैं, ठीक है राइट। 34, विच वन रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस डायोड, फॉरवर्ड बायस मीन्स सिंपल आपको क्या देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, पॉजिटिव नेगेटिव देखोगे फंस जाओगे, यू हैव टू सी पोटेंशियल एट पी मस्ट बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट एन, पोटेंशियल एट एन, पी पे पोटेंशियल एन से ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा है, जीरो इज मोर देन माइनस टू, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। डोंट लुक फॉर पॉजिटिव नेगेटिव जो हमने पढ़ा था, ठीक है, वो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव में कभी देंगे भी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस से देंगे, ठीक है राइट। नाउ 35, दो डायोड है, ऑब्वियसली इसमें एक फॉरवर्ड बायस है एक रिवर्स बायस है, कौन सा फॉरवर्ड बायस है, इसमें एक फॉरवर्ड बायस है एक रिवर्स बायस है, कौन सा फॉरवर्ड बायस है, D2, ये फॉरवर्ड बायस है तो इससे तो करंट जाएगा ही नहीं, तो अब सर्किट में रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 प्लस 2
4, रेजिस्टेंस 4 ओम, वोल्टेज 10। तो ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। दैट इज 2.5 एम्पियर, बस इतना काम होता है। ठीक है, राइट। नाउ 36, फॉर गिवन सर्किट ऑफ आइडियल पीएन जंक्शन डायोड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब दिस इज वन ऑफ द टिपिकल एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन, सोचना पड़ता है, कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इट्स नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन। इन फॉरवर्ड बायसिंग द वोल्टेज अक्रॉस आर इज, वंस वी सेड आइडियल डायोड, रेजिस्टेंस 0। तो अगर यहां पे वी वोल्ट है और करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप आई आर इज इक्वल टू वी हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे 0 होगा। ठीक है, अगर ये रिवर्स बायस है तो करंट 0, तो यहां पे पोटेंशियल इज 0, तो सारा पोटेंशियल कहां आएगा, यहां पे, तो ये पोटेंशियल वी हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो इन फॉरवर्ड बायसिंग द वोल्टेज अक्रॉस आर इज वी, दैट इज करेक्ट। इसमें बाकी फिल करते हैं कि अगर क्या होता तो क्या होता वोल्टेज, है ना। इन रिवर्स बायसिंग द वोल्टेज अक्रॉस आर इज 0। ठीक है, इन फॉरवर्ड बायसिंग द वोल्टेज अक्रॉस आर इज वी, ये तो हो ही गया। इन रिवर्स बायसिंग द वोल्टेज अक्रॉस आर इज 0, ये तो सेम थे। ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस डायोड इसका उल्टा, फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज अक्रॉस डायोड 0 एंड रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज वी। ओके, हो गया, राइट। इफ यू विल सी द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अगर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखोगे ना, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है विद लिटिल चेंज। अब जैसे ये फिर आ गया, एक फॉरवर्ड बायस एक रिवर्स बायस, कौन सा फॉरवर्ड बायस, D1, तो इधर से करंट जाएगा नहीं, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 50, तो करंट 5/50, राइट। ठीक है, दो क्वेश्चन और, फिर उसके बाद रेक्टिफायर आएगा, वो मैंने पढ़ाया नहीं। हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, बाकी मैं तेरे को दूंगा थोड़े से और। ओके, 38, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड, राइट। डायोड को हम रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं। रेक्टिफायर मीन्स एसी टू डीसी कन्वर्टर। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द रेक्टिफायर, राइट। दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट। बेसिकली एसी से डीसी में कन्वर्ट करने में करना क्या है, लाइक एसी चेंज, मतलब डायरेक्शन चेंज होती है एसी की पीरियोडिकली, एसी की डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है, लेकिन डीसी की डायरेक्शन सेम रहती है। तो बेसिकली द नेगेटिव हाफ टू रिमूव और टू कन्वर्ट इट इनटू द पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव जो हाफ है एसी का, एसी में ऐसे है, तो बेसिकली हमको ये पार्ट नहीं चाहिए, तो या तो ये पार्ट रिमूव कर दे, रिमूव कर दिया तो हाफ वेव रेक्टिफायर, या इसको पॉजिटिव हाफ में कन्वर्ट कर दिया तो फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एक डायोड यूज होता है, एंड ये लोड हमारा हो गया जिसको हमें डीसी देना है, एंड यहाँ पे बिकॉज जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं लो वोल्टेज पे काम करती है, और हमारा जो एनियन सिस्टम है वो हाई, थोड़ा सा
240 वोल्ट सिस्टम है जो कि हाई वोल्टेज है। तो वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए या वोल्टेज डिक्रीज करने के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें एसी मिलती है, देन ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस एंड इज पॉजिटिव, दिस एंड इज नेगेटिव एंड द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इट विल करंट कंडक्ट, और जब ये कंडक्ट करेगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो करंट जैसे जैसे ये वेरी करेगा वैसे वैसे ये वेरी करेगा, तो दिस टाइप ऑफ वोल्टेज वी विल गेट इन द आउटपुट। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, देन डायोड इज रिवर्स बायस। व्हेन रिवर्स बायस द करंट इज नेग्लिजिबल, तो ये कंडक्ट करेगा नहीं, ये कंडक्ट करेगा नहीं, तो दिस इज ठीक है नो आउटपुट। एंड इन द पॉजिटिव हाफ ये फिर फॉरवर्ड बायस, तो ऑल द पॉजिटिव हाफ्स विल पास व्हाइल ऑल द नेगेटिव हाफ्स विल ब्लॉक, सारे पॉजिटिव हाफ पास हो जाएंगे और सारे नेगेटिव हाफ ब्लॉक हो जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, राइट। जो एवरेज हमें मिलता है, जो एवरेज वोल्टेज मिलती है, दैट इज आई नॉट बाई पाई, ठीक है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 हर्ट्ज, राइट। व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड फ्रीक्वेंसी, बिकॉज इट इज नॉट स्टेडी डीसी, इट इज दीज आर द पल्सेस, तो पल्सेस का अपना एक फ्रीक्वेंसी है। यहां से यहां तक एक साइकिल हो गया, यहां से यहां तक एक साइकिल हुआ और ये भी एक साइकिल था, तो इट विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एज ऑफ एसी, जो एसी की फ्रीक्वेंसी है वही होगी, राइट। नाउ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज होते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में हम दो डायोड यूज करते हैं, राइट। एंड इज लाइक दिस, एक डायोड ये ट्रांसफॉर्मर और ये दूसरा डायोड, एंड यहां पे ट्रांसफॉर्मर को सेंटर से टैप करके ये लोड रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेंगे, राइट। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस जब हम एसी देंगे लाइक दिस, सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देन दिस डायोड डी वन ये कंडक्ट करेगा और करंट ऐसे फ्लो होगा, ये फॉरवर्ड बायस हो गया और ये रिवर्स बायस हो गया, राइट। तो हमें आउटपुट मिलेगा इसके अक्रॉस बिल्कुल वैसे ही जैसे इनपुट वेरिएशन है, देन द नेगेटिव हाफ, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम नेगेटिव, राइट। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, नाउ दिस डी टू इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड डी वन इज रिवर्स बायस्ड, सो द करंट विल फ्लो थ्रू दिस, इससे करंट फ्लो करेगा, एंड देन बिकॉज करंट की डायरेक्शन पहले और बाद में सेम है, दोनों डायोड से करंट की डायरेक्शन सेम है, दैट इज लेफ्ट टू राइट, तो हमें वेरिएशन तो सेम मिलेगा बट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव हाफ। सो दिस वे एक बार डी वन कंडक्ट करेगा, एक बार डी टू कंडक्ट करेगा एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू, एंड दिस इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसमें जो एवरेज है वो इसका डबल होता है एंड इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इसका डबल होता है, क्योंकि एक साइकिल इसके एक साइकिल में इसके दो साइकिल हो जाते हैं, राइट। नाउ ये जो हमें डीसी मिली, ये जो हमें डीसी मिली ये है पल्सेटिंग डीसी, इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, यानी डीसी विद पल्सेस,
इसको हम रेक्टिफायर फिल्टर में पास कराते हैं, फिल्टर में। इसको जब फिल्टर में पास कराया तो देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू स्टेडी डीसी, स्टेडी डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। फिल्टर इज व्हाट, सिंपल एक आरसी सर्किट, एक आरसी सर्किट इज वर्क एज ए फिल्टर, राइट। ठीक है, हो गया। एक तो ये क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट क्लास में, ये गड़बड़ है ना, ये नहीं आएगा। The diode used in the circuit shown in figure has a constant voltage drop 0.5 volt. यहाँ पे 0.5 volt drop हो गया, right? And maximum power rating of 100 milliwatt. जो power है वो है 100 into 10 to the power minus 3 watt. What should be the value of R connected in series with the diode for obtaining maximum current? अगर power इतनी है और voltage 0.5 है तो current कितना हुआ? पावर अपॉन वोल्टेज, दैट इज 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 0.5, कितना हो गया, दैट इज 0.2 एम्पियर, द करंट इज 0.2 एम्पियर। ठीक है, अब नाउ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज वोल्टेज वी बाई आई, वोल्टेज कितना, आर इज ये लिखो ना 1.5 माइनस 0.5, 1.5 माइनस 0.5 तो यहाँ ड्रॉप हो गया, इज इक्वल टू करंट 0.2 इंटू रेजिस्टेंस, तो आर इज इक्वल टू दैट इज 1 अपॉन 0.2, दैट इज 5 ओम, तो 5 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। हाँ, 0.5 यहाँ पे ड्रॉप हो गया, नहीं ये डायोड का है, ये 0.5 यहाँ पे है। ठीक है, तो हमने 1.5 दिया, 1.5 में से 0.5 यहाँ ड्रॉप हो गया, तो बेसिकली रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज मिला वो 1 वोल्ट मिला। ओके, राइट, चलो अब फटाफट इसके रेक्टिफायर के क्वेश्चन करते हैं। हो गया ये, नाउ फिल्टर सर्किट डज व्हाट, एलिमिनेट एसी कंपोनेंट, राइट, एलिमिनेट एसी कंपोनेंट। ओके, ओके, ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है, ये फुल वेव रेक्टिफायर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इसमें हमें इनपुट कहाँ दे और आउटपुट कहाँ मिलेगी, ये कोई भी डायगोनली अपोजिट दो टर्मिनल पे हम इनपुट देते हैं और डायगोनली अपोजिट दो टर्मिनल पे हमें आउटपुट मिलती है, राइट। नाउ लुक फॉर दिस, अगर मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ ऐसे, करेक्ट, देन व्हाट विल हैपन, ये दोनों ही, अगर ये नेगेटिव है तो दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, ये दोनों डायोड, अगर नेगेटिव है तो दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे और अगर पॉजिटिव है तो दोनों रिवर्स बायस हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि एक हमें फॉरवर्ड बायस चाहिए और एक हमें रिवर्स बायस चाहिए, तो ये यहाँ पे अगर कनेक्ट करते हैं ऐसे, राइट, तो नाउ जब पॉजिटिव है और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेंगे, ये आउटपुट है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें क्या होता है, दो डायोड एक साथ काम कर रहे होते हैं,
तो पॉजिटिव में ये करंट ऐसे फ्लो होगा, राइट, और ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, देन ये करंट ऐसे फ्लो होके दिस वे इधर चला जाएगा। द सर्किट इज कंप्लीट, ठीक है, ये तो हो गया फॉर, जब ये पॉजिटिव है एंड वो नेगेटिव है, और जब रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर दो, ये एंड नेगेटिव, ये एंड नेगेटिव, तो देन करंट विल, और ये एंड पॉजिटिव, जब ये एंड पॉजिटिव तो ये ऐसे कंडक्ट करेगा, राइट। इन बोथ द केसेस करंट थ्रू रेजिस्टेंस इज ए टू सी, इन बोथ द केसेस करंट थ्रू रेजिस्टेंस इज ए टू सी, सो इट एक्ट एज ए फुल वेव रेक्टिफायर एंड इट इज कॉल्ड एज विच रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, राइट। इट कंसिस्ट फोर डायोड्स इंस्टेड ऑफ टू डायोड्स, बट इट इज सिंपली अ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। द एवरेज वैल्यू ऑफ डी सी इज आई नॉट बाई पाई, हाफ वेव में आई नॉट बाई पाई एंड फुल वेव में टू आई नॉट बाई पाई, तो ये नेक्स्ट आ गया फुल वेव में टू आई नॉट बाई पाई, राइट। द पीक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ ए हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर फेड विद ए साइनोसॉइडल सिग्नल विदाउट फिल्टर इज 10 वोल्ट, द डी सी कॉम्पोनेंट, ठीक है, द डी सी कॉम्पोनेंट हो जाता है दैट इज 10 बाई पाई, राइट, हाफ वेव है सो दैट इज 10 बाई पाई। नेक्स्ट 45, इन ए फुल वेव रेक्टिफायर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन रिपल विल बी आउटपुट फ्रीक्वेंसी, बेसिकली रिपल फ्रीक्वेंसी इज आउटपुट फ्रीक्वेंसी, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी 100 हो जाती है, सो दैट विल बी 100, राइट। ये भी एक ब्रिज रेक्टिफायर है, बस थोड़ा डायमंड शेप में नहीं बना, रेक्टेंगल शेप में बना हुआ है, इसमें इनपुट इज अक्रॉस ए एंड सी, एंड अक्रॉस इनपुट इज अक्रॉस ए एंड सी, ये इनपुट हो गई, एंड आउटपुट इज अक्रॉस बी एंड डी, तो क्या मिलेगी, रेक्टिफाइड मिलेगी, फुल वेव रेक्टिफाइड, फुल वेव रेक्टिफाइड। ये देखो जहाँ पे ये दोनों एक एक टर्मिनल पे ये दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, लाइक इस पे देखो तो दोनों के नेगेटिव आ गए, इस पे देखो तो दोनों के पॉजिटिव आ गए, तो इन एंड्स पे आउटपुट मिलती है, और जहाँ पे दोनों अपोजिट होते हैं इधर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो यहाँ पे इनपुट देते हैं, ठीक है, तो इससे हमें फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट मिलेंगे, करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन ए पी एन जंक्शन फोटोसेल द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस बाई मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, यानी जो ई एम एफ होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सेल दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। अ पी एन फोटो डायोड इज मेड ऑफ ए मटीरियल विद बैंड गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द मटीरियल इज नियरली, दैट इज एच न्यू, जो जनरल फॉर्मूला है रेडिएशन कन्वर्जन का, व्हाट इज इट, एच न्यू इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, 6 30 2 1.6 into 10 to the power minus 19, 32 approximately 2, then 19 तो कितना हो गया 12, थर्टी फोर ही होती है 34, 15, आप ठीक है 20 इंटू 10 टू द पावर 14, सब में 10 टू द पावर 14 ही है, ठीक है, हो गया।
राइट नाउ 49 अ पीएन फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए सेमीकंडक्टर विद अ बैंड गैप ऑफ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट कैन डिटेक्ट ए सिग्नल ऑफ वेवलेंथ सेम वैसी इसमें एच नियो की जगह क्या हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा राइट एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 राइट इससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बाकी सॉल्व करना पड़ेगा है ना नाउ 50 गिवन ग्राफ किसका है सोलर सेल का आउट ऑफ विच ए इज व्हाट ओपन सर्किट वोल्टेज ठीक है ए इज ओपन सर्किट वोल्टेज एंड बी इज शॉर्ट सर्किट करंट ठीक है तो सोलर सेल हुआ बी इज शॉर्ट सर्किट करंट एंड ए इज ओपन सर्किट वोल्टेज तो इट इज सोलर सेल राइट ओके नाउ 51 जीनर डायोड इज यूज फॉर स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करते हैं तो हम स्टेबलाइजर बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर को नॉर्मल सेंस में द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज ए कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट एन इंटीग्रेटेड सर्किट ऑल्सो नोन एज आई सी बहुत बार सुना होगा टी वी खराब होते तो बोलते हैं आई सी फूक गया इसका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब होते तो बोलते हैं आई सी खराब हो गया था इंटीग्रेटेड सर्किट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस ऑन ए सिंगल चिप दे आर फॉर्म्ड ऑन ए सिंगल चिप राइट इतना क्लियर अब पहली चीज ट्रांजिस्टर का जो हम बेसिक यूज करते हैं मेन यूज है दैट इज फॉर द एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं एम्पलीफायर को स्कीमेटिकली समझो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम के टर्म्स में ये हमारा एम्पलीफायर है राइट इधर हम माइक कनेक्ट करते हैं राइट ये हमारा माइक है और इधर हम लाउड स्पीकर कनेक्ट करते हैं राइट राइट ये हमारा इनपुट है ये हमारा आउटपुट है करेक्ट तो इसलिए ट्रांजिस्टर में जब हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं तो एक इनपुट सर्किट होता है और एक आउटपुट सर्किट होता है इनपुट सर्किट जहाँ पे हम जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है वो देते हैं और आउटपुट सर्किट जहाँ से हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है राइट टोटल हमें कितने टर्मिनल चाहिए चार एक दो दो इनपुट में और दो आउटपुट में चार टर्मिनल चाहिए लेकिन ट्रांजिस्टर में सिर्फ तीन टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस एक ट्रांजिस्टर तीन पार्ट में होता है दो लाइक टाइप सेमीकंडक्टर और बीच में एक अनलाइक सेमीकंडक्टर ये बहुत थिन लेयर होती है तो आइदर इट विल बी पी एन पी और इट विल बी एन पी एन नहीं या तो पी एन पी होगा या एन पी एन होगा जो बीच का पोर्शन है वो अनलाइक है वो बहुत थिन लेयर है तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं एन पी एन ये वाला प्रेफर करते हैं वाई बिकॉज इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर ज़्यादा है और एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है रीजन बिहाइंड दैट एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी हाई होती है तो इसलिए जो बेसिक यूज होता है वो एन पी एन यूज होता है ऑल्दो पी एन पी विल सर्व द सेम पर्पस बस थोड़ा सा उसकी कंडक्टिविटी लो होती है सो दैट इज व्हाट फर्स्ट इज एन पी एन इज प्रेफर्ड ये तीन पार्ट्स होते हैं एमीटर बेस एंड कलेक्टर फंक्शनली एमीटर एमिट्स चार्ज कैरियर एमीटर चार्ज कैरियर को एमिट करता है ठीक है बेस कंट्रोल्स
वो उन चार्ज कैरियर को कंट्रोल करता है कि कितना आगे जाना है, ठीक है। एंड कलेक्टर, द थर्ड पार्ट इज कलेक्टर, कलेक्टर कलेक्ट्स द चार्ज कैरियर, राइट। तो फंक्शनली अगर हम देखें तो एमीटर से चार्ज कैरियर निकले, बेस से होते हुए कलेक्टर में पहुंचे, बेस बीच में एक ग्रिड का काम करता है जो कंट्रोल करता है कि कितने चार्ज कैरियर एमीटर से कलेक्टर तक पहुंचते हैं, करेक्ट। ये तो हो गया फंक्शनली। कंस्ट्रक्शन वाइज, एमीटर हाई डॉपिंग, बेस वेरी लो डॉपिंग, एंड कलेक्टर डोपिंग लेसर देन एमीटर। दिस इज डोपिंग वाइज। एमीटर सबसे ज्यादा डॉप्ड होता है, ठीक है, कलेक्टर उससे थोड़ा कम होता है, राइट। एंड बेस बहुत लाइट डॉपिंग होती है, ठीक है। ये फंक्शन वाइज, ये डॉपिंग वाइज, एंड देन साइज वाइज, साइज वाइज एमीटर स्लाइटली स्मॉलर देन कलेक्टर, जो साइज है बेस वेरी थिन, एंड कलेक्टर लार्ज साइज। अब अगर हम चार्ज कैरियर डेंसिटी देखें तो सबसे ज्यादा कहां होगी? एमीटर में, क्योंकि डोपिंग भी ज्यादा है और साइज भी थोड़ा छोटा है, ठीक है। उससे कम कलेक्टर में और बेस में तो बहुत ही कम, ठीक है, राइट। व्हाई कलेक्टर साइज इज कैप्ट लार्ज? एक तो हमें डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करना होता है सो दैट इजी फ्लो हो चार्ज कैरियर का फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। अनदर थिंग, जब चार्ज कैरियर एमीटर से मूव करके कलेक्टर में जाते हैं तो वहां पे वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो मैक्सिमम हीट इज अक्रॉस कलेक्टर, सो दैट्स व्हाई कलेक्टर का साइज थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, ओके। राइट, ये तो हो गया इसके जनरल बेसिक कंस्ट्रक्शन, करेक्ट। हो गया शिवांशी? ओके, नाउ अब एज आई टोल्ड यू, हमको चार टर्मिनल चाहिए, इनपुट एंड आउटपुट, दो टर्मिनल इनपुट के, दो टर्मिनल आउटपुट के, और हमारे पास टर्मिनल कितने अवेलेबल हैं? तीन, एमीटर, बेस, कलेक्टर, राइट। सिंबल जो होता है, सिंबल होता है ऐसे, एक सर्कल, इसमें ये, देन दिस वे, ये तो हो गया कॉमन सिंबल। अब इसमें एनपीएन और पीएनपी को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? वो डिफरेंशिएट करते हैं हम करंट की डायरेक्शन से, राइट। लाइक जो हमने जंक्शन डायोड में देखा, करंट का फ्लो होता है पी टू एन, तो इफ आई मार्क दिस लाइक दिस तो इट बिकम एनपीएन, यानी बीच वाला पी हो गया, ये एनपी एंड देन एन, राइट। और अगर मैं
करंट की डायरेक्शन ऐसे मार्क कर दूं तो ये हो जाएगा पी एन पी। तो सिंबल में ये जो डायरेक्शन है ना ये मैटर एन पी एन और पी एन पी डिसाइड करते हैं, करेक्ट। अब हमारे पास तीन टर्मिनल है और हमें चाहिए टोटल चार, तो हम एक टर्मिनल को कॉमन करते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में। कैसे? लाइक इसको दोनों के बीच में कॉमन कर दिया और ये हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया, राइट। और इसको हम ग्राउंडेड भी कर देते हैं, ठीक है, इसको ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो इन तीन में से कोई भी एक हम कॉमन कर सकते हैं, चाहे तो कॉमन एमिटर या कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर। अकॉर्डिंगली तीन डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन हो जाती है। वन इज कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर तो हम पढ़ते नहीं है, वन इज कॉमन एमिटर एंड अदर इज कॉमन बेस। ठीक है, कॉमन बेस में बेस एमिटर बेस इनपुट, एमिटर और बेस मिलके इनपुट बनाते हैं और कलेक्टर और बेस मिलके आउटपुट बनाते हैं। राइट और अगर कॉमन एमिटर है तो बेस एमिटर मिलके इनपुट बनाते हैं और कलेक्टर एमिटर मिलके आउटपुट बनाते हैं, ठीक है। कॉमन कलेक्टर वी डोंट यूज, राइट। फॉर एन एम्पलीफायर दिस इज प्रेफर्ड, दिस इज प्रेफर्ड फॉर एम्पलीफायर कॉमन एमिटर। हो गया, राइट। नाउ बायसिंग वाइज, बायसिंग व्हाटसोएवर द कॉन्फिगरेशन मे बी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन एमिटर कॉमन बेस। बायसिंग इनपुट ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, आउटपुट always reverse bias. ठीक है, और बायसिंग के लिए बस इतना आपको ध्यान रखना है, इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बायस, आउटपुट हमेशा रिवर्स बायस। ओके, तो एक सर्किट बनाते हैं कॉमन बेस का और फिर वर्किंग देखते हैं। यह है एन पी एन पी एन पी ले लेते, चलो पी एन पी, ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल, दिस इज कॉमन बेस। ओके, नाउ टेल मी इधर वोल्टेज कैसे लगाए, फॉरवर्ड बायस तो पी विद पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, राइट। दिस इज रिवर्स बायस, आउटपुट रिवर्स बायस, तो पी विद नेगेटिव, क्योंकि रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो हम ज्यादा बैटरी यूज करते हैं, ठीक है। इनके नाम कैसे यूज करते हैं, बैटरी के नाम कैसे देते हैं, जिस साइड कॉमन वाला छोड़ दो दूसरा वाला नाम यूज करते हैं। जैसे ये इधर एमीटर में कनेक्टेड है तो इसको हम बोलते हैं वी एंड डबल ई, राइट। ई को ही दो बार लिखते हैं। इधर ये कलेक्टर में कनेक्टेड है तो इसको हम लिखते हैं वी सी,
दैट इज वी सी सी एंड वी ई ई. राइट नाउ फंक्शनिंग वाइज बहुत सिंपल सा है. ये पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल. तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ऐसे सेटअप होगा. दिस फील्ड इज सपोर्टिव फॉर पॉजिटिव चार्ज कैरियर फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर. पॉजिटिव चार्ज कैरियर फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर. सो दीज पॉजिटिव चार्ज कैरियर विल मूव फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर. एमिटर से कलेक्टर में मूव करेंगे. लेकिन बेस अपोजिटली डॉप्ड है. बेस अपोजिटली डॉप्ड है तो सम ऑफ द होल विल गेट कंबाइंड ओवर हेयर विद द इलेक्ट्रॉन्स. तो कुछ होल इधर इलेक्ट्रॉन से कंबाइंड हो जाएंगे. राइट अकॉर्डिंगली इफ वी टॉक अबाउट दिस करंट इज कॉल्ड एमिटर करंट. दिस करंट इज कॉल्ड कलेक्टर करंट. And this current is called base current. ठीक है. And simple by the conservation of charge, emitter current is sum of base current and collector current. Right? The charge carrier moving out of emitter forms emitter current. The charge carrier reaching to collector forms collector current. And the charge carrier the charge carrier which make the bond with the n base region are constitute base current. Wo base current ko constitute karte hain. So accordingly these are the three currents emitter, base and collector. So emitter current is highest and it is sum of base and collector current. How base control collector current? Agar emitter current fix hai, agar base current badhega to collector current kam ho jayega. बेस करंट कम होगा तो कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा. दिस इज व्हेन एमिटर करंट इज कांस्टेंट. ठीक है. मान लो हम इधर से 100 चार्ज कैरियर मूव कराते हैं एंड यहां पर 95 पहुंचते हैं और 5 यहां पे ड्रॉप हो जाते हैं. तो देन बेस करंट विल बी 5% एंड कलेक्टर करंट विल बी 95% ऑफ एमिटर करंट. राइट. तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज गुड. बट इन एनी केस अगर हम वी ई बढ़ाएंगे तो एमिटर वोल्टेज बढ़ेगा. एमिटर वोल्टेज बढ़ा तो एमिटर करंट भी बढ़ेगा. एमिटर करंट बढ़ेगा तो बेस और कलेक्टर करंट दोनों बढ़ेंगे. ठीक है. राइट. अगर एमिटर करंट में चेंज होता है तो बेस और कलेक्टर दोनों करंट में चेंज होगा. अगर एमिटर करंट कॉन्स्टेंट रखते हैं और बेस करंट में चेंज होता है तो कलेक्टर करंट विल चेंज. राइट. दिस वे द बेस कंट्रोल आउटपुट. करेक्ट. इतना समझ में आ गया. ठीक है. नाउ ठीक है. लाइक अगर 100 चार्ज कैरियर इधर से मूव किए, 95 यहां पहुंचे, तो कलेक्टर करंट इज 95% ऑफ आई एमिटर करंट एंड बेस करंट इज 5% ऑफ एमिटर करंट. और ये जनरल है, इतना ही रहता है. जनरली इतना ही रहता है. बेस करंट इज ऑलमोस्ट 5% ऑफ एमिटर करंट एंड कलेक्टर करंट इज 95% ऑफ एमिटर करंट. राइट. अब इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है. इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन्स. ठीक है. वोल्टेज गेन्स, पावर गेन्स. ठीक है. राइट. रेजिस्टेंस इज वोल्टेज अपॉन करंट. That's clear. Gain of anything means output upon input. Gain of anything. Like अगर मैं बोलू current gain, याद करने के लिए बता रहा हूं, current gain, तो output current upon input current. Like इस केस में output current क्या है? Collector current. और input current क्या है? Emitter current. तो current gain is output upon input. That is IC upon IE. फिर इसमें दो component होते हैं, एक डीसी कंपोनेंट और एक एसी कंपोनेंट. यानी एक डीसी कंपोनेंट और एक एसी कंपोनेंट. वो बात थोड़ी देर में समझ में आएगा कि एसी कंपोनेंट कैसे होता है, डीसी कंपोनेंट कैसे होता है.
तो जो एसी कंपोनेंट होता है उसे हम चेंज से मेजर करते हैं और जो डीसी कंपोनेंट होता है उसको हम स्टेट मेजर करते हैं, राइट। नाउ ये हमारा कौन सा कॉन्फिग्रेशन है? कॉमन बेस, राइट। सो व्हाट एवर आई एम राइटिंग इज फॉर कॉमन बेस, कॉमन बेस कॉन्फिग्रेशन। इनपुट रेजिस्टेंस, RI is input voltage upon input current. तो input voltage क्या है? Change in VEB. Input is ammeter and base. ठीक है? VEB upon change in ammeter current. Right? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना चीज़ों को, बेसिक याद रखो। रेजिस्टेंसेस चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। चेंज इन वोल्टेज मींस इसका वोल्टेज, इसमें कौन कौन से दो टर्मिनल है? एमीटर एंड बेस। तो एमीटर और बेस के बीच में जो वोल्टेज है वो, और इनपुट करंट कौन सा हुआ? एमीटर करंट, राइट। आउटपुट रेजिस्टेंस आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज क्या होगी बोलना? वी सी बी। आउटपुट इज कलेक्टर एंड बेस, है ना, एंड आउटपुट करंट इज आई सी। ओके, देन करंट गेन, करंट गेन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। इसमें भी दो हो जाते हैं, एक अल्फा एसी, दैट इज चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट, एंड अल्फा डीसी। अगर सिंपली अल्फा लिखा है तो यू कैन टेक डीसी, दैट इज आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, राइट। नाउ वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन होगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज इसको हम ए बी से लिखते हैं। आउटपुट वोल्टेज होता है आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस, और इनपुट करंट अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। ये सारे फॉर्मूले इसमें मैं बता रहा हूं, कॉमन एमिटर करेंगे उसमें आप बताओगे। तो ये हो गया अल्फा into output resistance upon input resistance, ठीक है। तो ये बिल्कुल जैसे V is equal to IR होता है ना, तो ऐसे voltage gain is current gain into resistance gain, इसको resistance gain बोल सकते हैं, output resistance upon input resistance। तो जैसे voltage gain हो गया तो current gain into resistance gain, ऐसे power gain क्या हो जाएगा? पावर गेन। ए वी ए पी क्यों लिखते हैं इसको? एडवांटेज ऑफ वोल्टेज, एडवांटेज ऑफ पावर, राइट। तो पावर गेन इज वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। इधर यू कैन राइट वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, और यू कैन राइट स्क्वायर ऑफ करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर, जैसे मर्जी, वो वही करंट वाले फॉर्मूले कैरी ओवर होते हैं, राइट। नाउ कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट, कंडक्टेंस होता है करंट अपॉन वोल्टेज, ठीक है। इस केस में हम ट्रांस कंडक्टेंस मेजर करते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस मींस
इनपुट से लेके आउटपुट तक का कंडक्टेंस, जी से, जी कंडक्टेंस के लिए यूज होता है, एम लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस। और ये भी वही होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो क्योंकि हमें करंट अपॉन वोल्टेज लेना है तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट करंट क्या हो गई डेल्टा आई सी एंड इनपुट वोल्टेज क्या हो गई डेल्टा वी ई बी, राइट। इसको हम अल्फा अपॉन आर आई भी लिख सकते हैं, क्लियर, राइट। हो गए सब फॉर्मूले और समझ में आ गए ना कैसे कैसे आए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक ही याद रखना है, गेन मींस आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, राइट, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ओके। एक बेसिक सर्किट बनाते हैं, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये कौन सा है एनपीएन, ठीक है। तुम लोग मत बनाना, मैं अभी बहुत सारे चेंजेस करूंगा, बस जितना बना लिया उतना बहुत है, ओके। नाउ अब इसमें मेरे को बायसिंग बताओ इस साइड, कौन सा टर्मिनल ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव, पहली चीज ये एनपीएन है, इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बायस, तो ये हमारा पी हुआ तो ये पॉजिटिव, दैट इज फर्स्ट थिंग। What is the name? VBB. Because it is connected to base. Okay. Then either which terminal first? ये N type है और reverse bias होता है, तो कौन सा terminal connect होगा? Positive. Output is reverse biased है ना, तो ये positive. Why we use large battery? क्योंकि रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, नाम VCC. ये एक बेसिक सर्किट है, बेसिक सर्किट। अब हमें इसमें बहुत कुछ चाहिए होता है, मान लो मुझे इसकी करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है, करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है तो मुझे इसमें वोल्टेज करंट वो मेजर करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। एक तो इसमें ये जनरल हो जाता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दैट इज कॉल्ड बेस रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दैट इज कॉल्ड कलेक्टर रेजिस्टेंस, इसको लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं, ओके। बेस के साथ एक रेजिस्टेंस और ये कलेक्टर के साथ रेजिस्टेंस। सर्किट को धीरे धीरे आराम से समझते रहो, ठीक है। सबसे पहले आप बायसिंग बनाओ, फिर ये हो गया। अब इसके बाद मुझे वोल्टेज मेजर करनी है तो मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा, मेजरिंग सर्किट इससे बनाते हैं, एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा और ये क्या मेजर करेगा, ये मेजर करेगा वी बी ई, बेस एमीटर वोल्टेज, और एक वोल्ट मीटर यहां लगाऊंगा, ये क्या मेजर करेगा वी सी ई, ठीक है, राइट। तो बेसिकली ये तो बायसिंग बैटरी है, बट जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या है वी बी है और जो आउटपुट वोल्टेज क्या है वी सी ई, ठीक है। वी सी सी तो बैटरी है, बैटरी में से कुछ काम ज़्यादा होगा वो एक अलग है। फिर यहाँ पे एक एमीटर, ये कौन सी करंट मेजर करेगा आई सी, और यहाँ पे एक एमीटर, ये कौन सी करंट मेजर करेगा आई पी, ठीक है। अब ये हम मेजर करेंगे तो हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं।
इनपुट करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हुए हम आउटपुट पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हैं, राइट? और जब आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं तो इनपुट पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हैं, तो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। अब इनपुट क्या है? फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स जो जंक्शन डायोड की होती है सेम वही, कैसे? लाइक दिस। ये जंक्शन डायोड की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है, व्हाट इज इनपुट करंट? बेस करंट। व्हाट इज इनपुट वोल्टेज? बेस एमीटर वोल्टेज। द इनपुट वोल्टेज इज बेस एमीटर वोल्टेज। एंड व्हाट इज कांस्टेंट? व्हाट इज कांस्टेंट? द आउटपुट वोल्टेज वी सी कांस्टेंट। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए हम इनपुट करंट का इनपुट वोल्टेज से वेरिएशन मेजर करते हैं, राइट? ये तो हो गई इनपुट करंट और आउटपुट करंट। आउटपुट करंट, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स में इट इज लाइक दिस, द आउटपुट वोल्टेज वीसीई वर्सेस आईसी, ये क्या होता है? थोड़े से उसमें सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है? और ये इस पे क्या कांस्टेंट रखते हैं? आईबी इज कांस्टेंट, ठीक है? अगर हम आईबी की वैल्यू ज्यादा रखते हैं तो ऑब्वियसली हमें एमीटर करंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ेगी। सो इफ सपोज दिस इज एट आईबी इज इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर, तो एट आई बी इज इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर इट विल बी ग्रेटर, एंड आई बी इज इक्वल टू 150 माइक्रो एम्पियर इट विल बी मोर, यानी कलेक्टर सेचुरेशन करंट विल बी मोर। ठीक है, तो यह आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है, ओके? अब पैरामीटर्स बताओ, इनपुट रेजिस्टेंस, बोलो इनपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन करंट वी बी ई अपॉन आई बी, और ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं वी सी ई जो कांस्टेंट है, व्हेन जो भी कांस्टेंट है उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस वी सी ई अपॉन आई सी एंड आई बी कॉन्स्टेंट, दैट इज अ सिंपल वे टू राइट, है ना? नाउ ट्रांसकंडक्टेंस, कंडक्टेंस मीन्स करंट अपॉन वोल्टेज, ऐसे याद करो, मैं तो ऐसे याद करता हूँ। कंडक्टेंस मीन्स करंट अपॉन वोल्टेज, और होता आउटपुट अपॉन इनपुट है, तो आउटपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट करंट आई सी और इनपुट वोल्टेज वी बी ई, राइट? एंड करंट गेन, करंट गेन को इसमें बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा डीसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट, एंड बीटा एसी इज चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट, राइट? नाउ वोल्टेज गेन, दैट इज आउटपुट चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज, कैन बी रिटन एज बीटा इन टू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, बाकी पावर गेन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, बीटा स्क्वायर इन टू आर ओ अपॉन आर आई, या पावर गेन इन टू करंट गेन, ओके? Now there is a relation between beta and alpha. Beta is current gain in common emitter configuration. Alpha is current gain in common base configuration. So beta is equal to the alpha upon 1 minus alpha. And you can derive it. Like beta is IC upon IB. IB ko likhoge to IE minus IC. Usse derive ho jayega. Right?
So these are the parameters you need to note down. हो गया, विजिबल है? ठीक है, नोट कर लो एक बार. या स्क्वायर ऑफ करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, राइट? वही पावर के जो जनरल करंट वाले फॉर्मूले हैं वही लगते हैं. ठीक है, अब अगर आपको इतना मालूम है तो मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बाकी किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है. एम्पलीफायर क्या होता है, कैसे बनता है, कुछ नहीं पता करने की जरूरत. सिंपली इतने से मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, राइट? देखो, फर्स्ट थिंग, हम कॉमन एमीटर क्यों प्रेफर करते हैं, कॉमन एमीटर कॉन्फिग्रेशन क्यों प्रेफर करते हैं? एल्फा होता है एल्फा आई सी अपॉन आई ई लेस देन वन, क्योंकि कलेक्टर करंट कम होता है, एमीटर करंट ज्यादा होता है. लेस देन वन तो हमें आउटपुट ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा चाहिए, तो हम ये क्यों यूज करेंगे? इसमें तो हमें करंट गेन लेस देन वन मिल रहा है. एंड बीटा हो जाता है आई सी अपॉन आई बी. अगर मैं नॉर्मल परसेंटेज में बात करूं तो इट इज 95% ऑफ आई ई, 95% ऑफ आई ई एंड इट इज 5% ऑफ आई बी, तो कितना हो गया, 19 टाइम्स हो गया, राइट? 5% ऑफ आई ई तो 19 टाइम्स हो गया. यानी अ स्मॉल चेंज इन बेस करंट कॉजेज अ लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट. बेस करंट में अगर स्मॉल चेंज होता है तो कलेक्टर करंट में लार्ज चेंज होता है. अगर आप वेरिएशन वाइज देखो ना, अगर मैं इसको 4% कर दूं तो ये 96 हो जाएगा, तो 24 टाइम्स हो जाएगा. इसको 3 किया तो वो 97, तो कितना हो जाएगा, 32 टाइम्स, राइट? एंड इसको मैं 99 कर दूं तो 99 कर दिया तो 99 टाइम्स गेन हो जाएगा. एंड वी कैन गो अप टू 200 टाइम्स बिकॉज इफ आई मेक इट 0.5% ऑफ दैट, तो कितना हो गया, अराउंड 200% का गेन हो गया. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज कॉमन एमीटर. कॉमन एमीटर में गेन बहुत ज्यादा होता है. स्मॉल चेंज इन बेस करंट कॉजेज अ लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट, राइट? ओके, नाउ हम इधर देखते हैं. ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये इनपुट करेक्टरिस्टिक्स सेम वही. देखो लगभग 0.6 वोल्ट, इस वोल्ट तक ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करेगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ जोन. इस वोल्ट तक ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करेगा, दैट इज कट ऑफ जोन. यानी अप टू अ पर्टिकुलर वोल्टेज ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करता. फिर उसके बाद ये होता है एक्टिव जोन, और फिर सेचुरेशन आ जाता है, तो देन सेचुरेशन जोन. तो ट्रांजिस्टर के तीन जोन हो जाते हैं, वन इज कट ऑफ, एक्टिव एंड सेचुरेशन. एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सेचुरेशन रीजन. सो तीन डिफरेंट रीजन होते हैं ट्रांजिस्टर के, राइट? ये सर्किट वही एज आई टोल्ड यू, ठीक है, दैट इज टू मेजर द करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए सर्किट है. ये इनपुट सर्किट हो गया, ओके, राइट? चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं बिना एम्पलीफायर पढ़े. ये देखो 57, ओके, क्वेश्चन नंबर 57. इन ए कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो वोल्टेज सिग्नल अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट. कौन सी वोल्टेज हुई, आउटपुट वोल्ट, ठीक है. द रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर इज 3 किलो ओम. आउटपुट वोल्टेज मालूम है, आउटपुट रेजिस्टेंस मालूम है,
तो आउटपुट करंट आ जाएगा, ठीक है। इफ करंट गेन इज 100, करंट गेन 100 है तो, और बेस रेजिस्टेंस इज 2 किलो, तो इनपुट रेजिस्टेंस करंट भी आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट करंट आ गया, इनपुट करंट भी आ जाएगा इससे करंट गेन से। आउटपुट वोल्टेज मालूम है तो इनपुट वोल्टेज भी आ जाएगा, ठीक है। एंड देन अकॉर्डिंगली आप सब कुछ निकाल सकते हो, ओके, ठीक है। देखो वोल्टेज गेन कितना, करंट गेन बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, बीटा कितना 100, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना 3 किलो ओम, एंड इनपुट रेजिस्टेंस कितना 2 किलो ओम। दिस इज हाउ मच, 150 वोल्टेज गेन, 150। बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी के तरीके से होता है, सिर्फ ये देख देख के डर लगता है, कॉमन एमीटर को एम्पलीफायर दिस दैट, पैरामीटर्स पढ़ो सॉल्व करो, बड़े आराम से होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, ठीक है। 150 हो गया, अब वोल्टेज गेन ही हो गया, पावर गेन इज वोल्टेज इंटू करंट गेन, ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट गेन, तो वोल्टेज गेन इतना, करंट गेन इतना, तो कितना 2 जीरो लगा दो, दिस इज आंसर। समझ में आया, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है देखने में, ठीक है, लेकिन एक बार पैरामीटर्स नोट करना शुरू करो और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले से चलो, सीधे सीधे अपने आप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करोगे, चलो एक मिनट इससे क्या क्या कर सकते हो, देखो लोड रेजिस्टेंस मतलब हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं वो बता रहा हूँ, क्या करना है वो तो एक अलग बात है। ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है कितना 800 ओम, राइट। ये वोल्टेज अक्रॉस लोड है कितना 0.8, तो इससे हम कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं, कैसे, 0.8 अपॉन 800, ठीक है, दैट इज 1 × 10⁻³, ये हमारी कलेक्टर करंट आ गई, इसे ये निकाल सकता है। नाउ इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, व्हाट इज दैट, इट शुड नॉट बी अ कॉमन एमिटर, इट शुड बी अ कॉमन बेस, क्यों, क्योंकि एम्पलीफिकेशन फैक्टर लेस देन 1 है, ठीक है, और उसमें हमेशा लेस देन ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें आउटपुट इनपुट करंट की बात नहीं कर रहा क्या है, क्योंकि अगर मैं एमीटर करंट निकालूंगा इसके हिसाब से तो मैं इसको इनपुट करंट बोल देता हूँ। नाउ 0.96 इज इक्वल टू IC अपॉन इनपुट करंट, वो इनपुट जो भी है, तो इनपुट करंट आ गया 10⁻³ अपॉन 0.96, ठीक है, नहीं इनपुट करंट आ गया, आउटपुट करंट आ गया, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज मालूम है, इनपुट करंट मालूम है, तो इनपुट रेजिस्टेंस मालूम है, तो इनपुट वोल्टेज आ जाएगी। इनपुट वोल्टेज क्या होगी, इनपुट करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस कितना है 192, ये हमें दे रखा है 192, राइट, तो इनपुट वोल्टेज भी आ गई। दिस वे हम सब कुछ निकाल सकते हैं, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं इतने पैरामीटर्स, बट हमको जो इसमें प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। वोल्टेज गेन हो गया, वोल्टेज गेन इज करंट गेन, ठीक है, इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। करंट गेन 0.96, आउटपुट रेजिस्टेंस 800, इनपुट रेजिस्टेंस 192, इससे ये कट किया तो 200, सो दैट इज 4, दैट इज वोल्टेज गेन। पावर गेन इज वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, वोल्टेज गेन 4, करंट गेन 0.96, सो दैट इज 3.84, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, हमें इस क्वेश्चन में ये करना, और इसको इनको सॉल्व करने के लिए एम्पलीफायर पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
देखो ये क्या है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज करंट गेन, आउटपुट रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम, इनपुट रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम, तो वोल्टेज गेन बीटा आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, तो ये हो गया 200, ठीक है। नाउ वोल्टेज गेन इज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, दिस इज 200, आउटपुट वोल्टेज इज 4, तो इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज इज 4 अपॉन 200, दैट इज 20 मिली वोल्ट, राइट, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एम्पलीफायर की नॉलेज जरूरी है, ओके, उससे नेक्स्ट हो जाएगा, उससे नेक्स्ट दोनों हो जाएंगे, 61 62 दोनों करो, क्या कर रहे हो, बता तो दिया मैंने, देखो हाँ वोल्टेज, ये तो हमने ट्रांजिस्टर चेंज किया ना, आउटपुट तो सेम है, ठीक है। वोल्टेज गेन इज करंट गेन इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, राइट, और करंट गेन अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस हो जाता है ट्रांसकंडक्टेंस जी एम, है ना, इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ए वी वन अपॉन ए वी टू कहाँ गायब हो गया, ला अब उतना तो हो गया था ना, ए वी, ए वी इज इक्वल टू बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। नाउ बीटा इंटू इनपुट रेजिस्टेंस इज करंट गेन, ठीक है, वो क्या हुआ, ट्रांसकंडक्टेंस, ट्रांसकंडक्टेंस इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस, राइट। तो ए वी वन अपॉन ए वी टू इज इक्वल टू जी वन अपॉन जी टू, ए वी वन कितना है जी, ये हमें निकालना है, ए वी टू, और पहले ट्रांसकंडक्टेंस कितना था, 0.03. पहले 0.3 था, अब बाद में कितना हो गया 0.02, तो ये हो गया ए वी टू इज इक्वल टू 2GY3। देखो ट्रांजिस्टर को हम यूजुअली कॉमन एमिटर में यूज करते हैं, ये बेस और ये एमिटर, ये कॉमन हो गया, ओके, एमिटर कॉमन हो गया दोनों में, राइट। यहाँ पे हम बायसिंग यूज करते हैं, यानी ये कौन सा है, NPN, तो P विद फॉरवर्ड बायस, इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है, तो ये इनपुट हुआ तो ये फॉरवर्ड बायस, ये बैटरी हो गई VBB, करेक्ट। देन आउटपुट हमेशा रिवर्स बायस, क्योंकि ये NPN है तो N विद पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ऐसे, राइट, ये तो इसका बायसिंग हो गया। देन रेजिस्टेंस, इसको हम इसमें एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, दैट इज बेस रेजिस्टेंस, करेक्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, दैट इज कलेक्टर रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस RC, इधर से बेस करंट जाएगी IB, इधर कलेक्टर करंट दैट इज IC, बैटरी का नाम VCC और ये VBB, ओके। अब हमको इसे एज ए स्विच यूज करना है, ठीक है, एज ए स्विच मीन्स अगर हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी तो स्विच ऑफ है, वो ऑन है, और अगर नहीं मिलेगी तो ऑफ है। तो हम क्या करते हैं, इनपुट, एक इनपुट वोल्टेज लगाया, राइट, और ये हमें आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, करेक्ट, इनपुट वोल्टेज और वो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ वोल्टेज हमें कितना मिलेगा,
जो आउटपुट वोल्टेज है, द आउटपुट वोल्टेज इज VCC माइनस ICRC, VCC माइनस ICRC। अब इधर इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज हम बढ़ाएंगे, ठीक है, इनपुट वोल्टेज हमने इंक्रीज किया तो इससे बेस करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस वही जो पीएन जंक्शन वाला होता है, वोल्टेज बढ़ाओ करंट भी बढ़ेगा, लेकिन कब? आफ्टर कट ऑफ, ठीक है ना, आफ्टर कट ऑफ, यानी वो जो 0.6 0.7 वोल्ट होता है उसके बाद, ठीक है। तो बेस करंट बढ़ा, राइट, बेसिकली ये पूरा जो इनपुट करंट है, बेस करंट, एमीटर करंट, ये सब बढ़ा, तो अकॉर्डिंगली कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा, इनपुट तो कलेक्टर करंट बढ़ा, कलेक्टर करंट बढ़ा तो आउटपुट वोल्टेज कम हो गया, ठीक है, कलेक्टर करंट बढ़ा तो आउटपुट वोल्टेज कम हो गया, राइट, ये जनरल ट्रेंड है। अब देखो इन कट ऑफ रीजन, इन कट ऑफ रीजन यानी जब वो एक्टिवेटेड नहीं है ट्रांजिस्टर, तो IC इज इक्वल टू जीरो, तो आउटपुट इज इक्वल टू VCC, ठीक है। नाउ फिर एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन आउटपुट इज VCC माइनस ICRC, जो भी है कम होती जाएगी, राइट right? फिर आता है सेचुरेशन रीजन, सेचुरेशन रीजन मींस IC इज हाई, ठीक है, IC बहुत हाई है, तो हम RC ऐसे सेलेक्ट करते हैं, RC ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि दिस VCC बिकम इक्वल टू RC, ICRC, ये दोनों इक्वल हो गए एट सेचुरेशन, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, दैट इज जीरो, आउटपुट वोल्टेज जीरो हो गया। इसको हम कर्व में अगर रिप्रेजेंट करें, ग्राफ में, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे ये हमारा आउटपुट वोल्टेज, ये हमारा इनपुट वोल्टेज, अप टू सर्टेन वोल्टेज तो कट ऑफ रहेगा, उसके बाद ये एक्टिव जोन एंड देन फिर सेचुरेशन जोन, सो इस तक तो वोल्टेज कॉन्स्टेंट एंड देन इट विल डिक्लाइन एंड देन इट विल बिकम क्लोज टू जीरो, इट विल बिकम क्लोज टू जीरो। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज नहीं है, तो अगर हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन से पास कराए ही नहीं, अगर ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन से पास कराए नहीं, या तो वो कट ऑफ रीजन में रहे या वो सेचुरेशन रीजन में रहे, तो देन इट विल एक्ट एज ए स्विच। अगर एक्टिव रीजन है ही नहीं तो या तो आउटपुट है या आउटपुट नहीं है, so then it will act as a switch, that is the transistor action as a switch, right? And transistor, ये जो electronic switches होते हैं, right, ये इसी तरह तो काम करते हैं, ठीक है, जो electronic switches हैं, आप remote दबाते हो, कुछ भी switch off, switch on, so कहाँ है वो switch? ये वही है, transistor, logic gates as a switch काम करते हैं, okay? समझ में आ गया? जब हम इसको कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में यूज़ करते हैं तो ये स्विच की तरह काम करता है, और जब हम इसको एक्टिव रीजन में यूज़ करते हैं तो ये एज एन एम्पलीफायर काम करता है, ठीक है। तो एज एन एम्पलीफायर वी यूज इन एक्टिव रीजन, एंड एज ए स्विच वी यूज इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन। As far as circuit is concerned, it is almost the same circuit. जो circuit है वही circuit रहता है, ठीक है। Right? Circuit wise कोई change नहीं होगा, ये input हम देंगे, like input is what? Our mic. Mic में हम बोलते हैं तो वो वेरिएशन होता है साउंड का, लेकिन माइक को हम एक सप्लाई भी देते हैं, माइक बिना सेल के या बिना इलेक्ट्रिक कनेक्शन के नहीं चलता, ठीक है, तो उसमें कुछ डीसी वोल्टेज भी होती है, तो डीसी कंपोनेंट्स को हम ब्लॉक करते हैं, डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर दिया, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी पार्ट,
ठीक है, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास ऑन करता है। ऐसे ही इधर भी जो आउटपुट वोल्टेज है वो है वीसीसी माइनस आईसीआरसी आउटपुट वोल्टेज। इसमें ये डीसी कंपोनेंट है, डीसी कंपोनेंट मींस कांस्टेंट कंपोनेंट, ये डीसी कंपोनेंट है। तो इसमें भी हम डीसी कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए कैपेसिटर लगा देते हैं और यहाँ हमें आउटपुट मिलती है, यह हमें आउटपुट मिलती है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ द दीज कैपेसिटर्स? टू ब्लॉक द डीसी कंपोनेंट, डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करना। एंड वर्किंग वाइज देयर इज नथिंग, बहुत सिंपल सा है जो अभी बताया था। इनपुट वोल्ट सिग्नल अगर ऐसे है एसी सिग्नल, ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा, इनपुट वोल्टेज बढ़ा तो बेस करंट बढ़ा, बेस करंट बढ़ा तो कलेक्टर करंट बढ़ा, ठीक है, कलेक्टर करंट बढ़ा तो आउटपुट वोल्टेज कम हुआ, राइट। मींस ये जैसे जैसे बढ़ेगा वो वैसे वैसे कम होगा, कम होना कैन बी सेड एज इंक्रीज इन नेगेटिव, राइट। कम होना मींस अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को देखें तो दिस इज व्हाट इंक्रीज इन नेगेटिव। तो दिस इज लाइक दिस, जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने का मतलब इंक्रीज इन नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव हाफ उधर किस में कन्वर्ट हो गया? नेगेटिव हाफ में, और एम्पलीफाई हो गया। व्हाई इट इज एम्पलीफाइड? बिकॉज स्मॉल चेंज इन बेस करंट रिजल्ट इन लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट, ठीक है। तो सिमिलरली ये पूरा का पूरा इन्वर्टेड हो जाएगा, तो हमारा जो आउटपुट है दैट इज डिफर इन फेज बाय पाई, आउटपुट में पाई फेज चेंज होगा। लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें इंटेंसिटी चाहिए होती है, इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इंटेंसिटी के टर्म्स में तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो दिस वे हम क्या करते हैं, स्मॉल चेंज इन इनपुट वोल्टेज गेट कन्वर्टेड इनटू लार्ज चेंज एंड विच मे हैपन अप टू 200 टाइम्स एज वी डिस्कस यस्टरडे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करंट गेन एंड ऑल वो मैंने पीछे बता ही दिया आपको कि करंट गेन एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है। द मेन थिंग इज वन, ये इन्वर्टेड होता है तो फेज चेंज बाय पाई। अगर हम यही काम कॉमन बेस में करेंगे तो फेज चेंज नहीं होगा, द फेज चेंज हैपन्स ओनली इन कॉमन एमिटर, राइट। सो दिस इज व्हाट एक्टिंग एज एन एम्पलीफायर, सेम सर्किट, यू अंडरस्टूड, राइट। सिर्फ डीसी कंपोनेंट को हमने ब्लॉक किया और एक्टिव रीजन में यूज किया। अभी एलसी ऑसिलेटर, ये नीट के सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ लो, ओके। एलसी ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर हम पढ़ेंगे ईएमआई एंड एसी में, ईएमआई एंड एसी में, ओके। इसमें क्या होता है, एक इंडक्टर होता है, याद करो एलसी ऑसिलेशन, एक स्विच, एक कैपेसिटर कनेक्ट किया, चार्ज्ड कैपेसिटर, तो करंट जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा, राइट। धीरे धीरे कैपेसिटर वोल्टेज कम होती जाएगी और करंट बढ़ता जाएगा, तो कैपेसिटर की एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर कम होगी और इंडक्टर की एनर्जी बढ़ेगी, राइट। दिस इज द एनर्जी ट्रांसफर, ओके। जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा करंट बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट पे पहुंच के कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज, सारी एनर्जी इंडक्टर में ट्रांसफर हो गई तो करंट मैक्सिमम हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया। देन आफ्टर दैट ये कैपेसिटर तो डिस्चार्ज हो चुका बट करंट फ्लो विल कंटिन्यू क्योंकि एनर्जी कहाँ है, इंडक्टर में, इंडक्टर की एनर्जी की वजह से करंट फ्लो कंटिन्यू होता रहेगा। बट नाउ दिस करंट विल स्टार्ट चार्जिंग द कैपेसिटर, कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगी एंड जो प्रीवियस पोलैरिटी थी उससे अपोजिट पोलैरिटी में कैपेसिटर चार्ज होगा। देन द एनर्जी ट्रांसफर विल टेक फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर, धीरे 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 इंडक्टर से एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी एंड देन करंट क्या हो जाएगा, जीरो, करंट जीरो हो गया ग्रेजुअली एंड नाउ कैपेसिटर हैज चार्ज्ड विद अपोजिट पोलैरिटी एंड द हाफ साइकिल इज कंप्लीट।
द सेम साइकिल विल रिपीट बट इन अपोजिट डायरेक्शन. अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो सेम साइकिल विल रिपीट इन अपोजिट डायरेक्शन. अकॉर्डिंगली हमें एक करंट मिलती है ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट मीन्स ऑसिलेटिंग चार्ज. एन ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इससे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 1/2 pi root LC. द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस 1/2 pi root LC. नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या है. हमने कैपेसिटर को एक बार एनर्जी दी. नथिंग इज आइडियल. ग्रेजुअली कैपेसिटर की एनर्जी लूज होगी. नथिंग इज आइडियल तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस में एनर्जी कंज्यूम होती जाएगी. तो हमें जो ऑसिलेशन मिलेंगे वो सस्टेन्ड ऑसिलेशन नहीं होंगे. उनका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा. दीज आर कॉल्ड डैम्ड ऑसिलेशन. तो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा एंड फाइनली ऑसिलेशन खत्म हो जाएंगे. एक टाइम तो आएगा एनर्जी खत्म हो गई. तो इससे हमें डैम्ड ऑसिलेशन मिलेगा. ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दोबारा से पढ़ेंगे. ओके डैम्ड ऑसिलेशन मिले. जितना भी कम्युनिकेशन है दैट इज थ्रू ऑसिलेटर्स ओनली. राइट. जो टावर्स लगे हैं टावर्स के ऊपर है क्या. ऑसिलेटर है. राइट. और ऑसिलेटर में कुछ नहीं है. एक इंडक्टर और कैपेसिटर है. तो ये ऑसिलेशन सस्टेन करने के लिए हमें इसको कंटिन्यूअस एनर्जी देनी पड़ती है. कंटिन्यूअस एनर्जी. और वो उतनी देनी पड़ती है जितनी कम हो गई. क्योंकि वी डोंट वॉन्ट एम्पलीट्यूड टू इंक्रीज. वी डोंट वॉन्ट एम्पलीट्यूड टू डिक्रीज. तो जितनी एनर्जी कम हो गई उतनी इनको देनी पड़ती है. तो इसके लिए हम एक फीडबैक सिस्टम लेते हैं और एक एम्पलीफायर लेते हैं. एक फीडबैक सिस्टम यानी इस एलसी ऑसिलेटर से वो एक सिग्नल लेगा कि कितना कम हो गया. वो एम्पलीफायर को देगा. एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करके वापस इसको दे देगा ऑसिलेटर को. तो इस तरह से एनर्जी मेंटेन रहती है. राइट. वो एनर्जी मेंटेन रहती है और उसके लिए जो सर्किट है मतलब थ्योरी बिल्कुल सिंपल इतना सही है. वही सर्किट है एम्पलीफायर वाला. राइट. लुक ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. ये आउटपुट जो जा रही थी वहां से वापस लिया और ये इसमें फीडबैक दिया और फिर वापस. तो ये एक लूप टाइप क्रिएट हो गया. ठीक है. ये फीडबैक सिस्टम कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे है. फीडबैक एम्पलीफायर. दिस इज पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर. एक नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है. एक पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है. नेगेटिव फीडबैक मीन्स डिक्रीज करना. बढ़ रहा है तो उसको कम करना. पॉजिटिव फीडबैक कम हो रहा है उसको बढ़ाना. तो ये पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर है. इसमें ये कलेक्टर. ये कलेक्टर में हमने वो एलसी ऑसिलेटर फिट कर दिया. राइट. ये कलेक्टर में. ये एलसी ऑसिलेटर है. ये कलेक्टर में फिट कर दिया. बाकी सब कुछ सेम ऐसी है. ठीक है. इससे थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन दो क्वाइल कनेक्ट की. एक ये और एक ये. ये क्वाइल में तो हमें आउटपुट मिलेगा और इससे हमें एक सिग्नल मिलेगा कि आउटपुट है कितना. राइट. और ये सिग्नल हमने कहाँ दिया. इनपुट में दे दिया. ये सिग्नल इनपुट में दे दिया एंड देन अकॉर्डिंगली ये एक लूप में चल गया. आउटपुट कितना है वो इनपुट को पता है. अकॉर्डिंगली सिस्टम बैलेंस होता जाएगा एंड देन आउटपुट मिलती जाएगी. ये मैं सर्किट एक बार बना रहा हूँ. ये कलेक्टर करंट है. ये एमीटर करंट है. ये वही वेरिएशन जो जनरल वेरिएशन सर्किट में एक बार बना रहा हूँ. समझ लेना कैसे कैसे होता है. बिल्कुल बेसिक वही सर्किट है जो नॉर्मल होता है. कॉमन एमीटर. राइट. ये कॉमन एमीटर. ठीक है. इसमें बाइसिंग बिल्कुल वैसे ही. ठीक है. कौन सा आएगा. एक मिनट अभी मत बनाना. बाइसिंग में एनपीएन है तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. ये वीसीसी हो गई. यहाँ पे इनपुट में प्लस माइनस वीबी हो गई. अब हमें यहाँ पे एक सिग्नल चाहिए. ठीक है. यहाँ पे हमें सिग्नल चाहिए जो हम एम्पलीफायर में इनपुट यूज कर रहे थे. याद है जो एम्पलीफायर में इनपुट था वो हम यहाँ पे देंगे. ठीक है. ये आउटपुट हम यहाँ पे रेजिस्टेंस था उसकी जगह हमने क्या किया एलसी ऑसिलेटर लगा दिया. दिस इज आउटपुट.
ये कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर हम चूज करते हैं टू चेंज द फ्रीक्वेंसी, जो भी हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए हो। ये क्वाइल, इससे म्यूचुअल इंडक्शन से, म्यूचुअल इंडक्शन वही ट्रांसफार्मर टाइप का, ये हमें आउटपुट मिल गए, राइट। जो यहां पे चेंज होगा वो यहां पे चेंज होगा, ठीक है। एंड इसके लिए इसी से, ये कोर है बेसिकली, इसी कोर पे एक छोटी सी कॉइल और लगा दी, तो जो यहां पे हो रहा है वो इसे भी पता चल रहा है, और इसको हमने यहां कनेक्ट कर दिया इनपुट में, ठीक है। तो आउटपुट एंड इनपुट गेट इंटरकनेक्टेड, यानी वट एवर इज हैपनिंग एज आउटपुट, उससे फीडबैक लिया, वो इनपुट में दिया, उसको एम्पलीफाई किया और फिर वापस मिल गया। तो इस तरह से सस्टेन्ड ऑसिलेशन मिलता है, ठीक है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर। कुछ पूछना है इसमें? नहीं, दो चार क्वेश्चंस करते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं ट्यूनर सर्किट, ट्यूनर सर्किट, राइट। क्योंकि ये ट्यूनर सर्किट कलेक्टर में है तो इसको कलेक्टर ट्यून्ड बोलते हैं, बेस में लगा देते तो बेस ट्यून्ड हो जाता, राइट। पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। वोल्टेज गेन 150, तो आउटपुट वोल्टेज कितना? इनपुट वोल्टेज 2, तो आउटपुट वोल्टेज 150 इंटू 2, दैट इज 300। तो या तो ये होगा या ये होगा, ये तो होगा नहीं, है ना। नाउ फेज चेंज बाय पाई, तो पाई बाय 3 प्लस पाई, तो कितना हो गया? 4 पाई बाय 3, तो कितना हो गया? दिस इज द आंसर, है ना, राइट। फेज चेंज हो जाता है बाय पाई, और वोल्टेज गेन तो है, तो इससे ये इक्वेशन मिल गई, राइट। नाउ 62 तक हम कर लीजिए, 63, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स वर्सेस फॉर ए ट्रांजिस्टर इज, फॉर यूजिंग ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, 1 and 3 कौन से रीजन में काम करते हैं? कट ऑफ एंड सेचुरेशन रीजन में, एक्टिव रीजन में काम नहीं करता। सो दिस इज 1 and 3, राइट। इस रीजन में नहीं चाहिए हमको, है ना, तो बोथ इन रीजन फर्स्ट एंड थर्ड, ओके। वोल्टेज गेन 50, वोल्टेज गेन होता है करंट गेन इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज गेन 50, करंट गेन हमें कैलकुलेट करने, आउटपुट रेजिस्टेंस 200, इनपुट रेजिस्टेंस 100, ठीक है। पावर गेन निकालना है, कोई बात नहीं, करंट गेन आ गया ना, करंट गेन हो गया, दिस इज 25, और पावर गेन हो जाता है वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, तो वोल्टेज गेन 50, करंट गेन 25, दैट इज 1250, ठीक है। 65, करंट गेन होता है, दैट इज चेंज इन कलेक्टर करंट टू चेंज इन बेस करंट। चेंज इन कलेक्टर करंट कितना? 5 mA टू 10 mA, तो दैट इज 5 mA, 5 × 10⁻³। एंड बेस करंट में चेंज कितना? चेंज 200 to 200 μA, तो दैट इज 100 × 10⁻⁶। So this will be 50.
ठीक है। 66 सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, चेंज इन कलेक्टर करंट कितना, 5 mA एंड चेंज इन बेस करंट 150 - 100, तो 50 μA, तो कितना है ये 100, राइट। इसका आंसर शायद बुक में गलत है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑसिलेशन होती है 1/2π√LC। इंडक्टर को हमने डबल कर दिया, कैपेसिटर को 4 times कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी ये कितना हो गया, √8, तो ये हो जाएगी 1/2√2 times, 1/2√2 times, तो ये आ जाएगा f/√2। नाउ 68, अल्फा इज दिस, अल्फा किस में होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, हमें निकालना है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, यानी 0.96/0.04, तो दिस इज 24, दैट इज 24। नाउ ट्रांसफार्मर ट्रांसफर रेशो, दैट इज करंट गेन, है ना, इज 50। करंट गेन क्या हो गया, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, बेस करंट, राइट। और इनपुट करंट कैसे निकालेंगे, इनपुट करंट हो जाएगा इनपुट वोल्टेज, हाउ मच, 0.01 अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, दैट इज 1 kΩ, दैट इज 10⁻³, तो ये हो गया 10⁻⁵। ठीक है, तो इनपुट करंट 10⁻⁵ हो गया, तो देन आउटपुट करंट IC इज इक्वल टू 50 × 10⁻⁵, दैट इज 500 μA, दिस विल बी 500 μA, राइट। IC upon IE, दिस इज कॉल्ड अल्फा, राइट, अल्फा इज 0.98 एंड आपको क्या निकालना है, बीटा, तो बीटा होता है अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, अल्फा इज गिवन 0.98/0.02, सो दैट इज 49, तो द करंट गेन इज 49, राइट। एक और बचा है बस, गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर वर्किंग एज कॉमन बेस एम्पलीफायर, तो ये हुआ अल्फा, राइट, अल्फा इज इक्वल टू 0.96 कॉमन बेस एम्पलीफायर में। इफ द एमिटर करंट इज 7.2 mA, देन द बेस करंट इज, करेक्ट, देखो दिस इज व्हाट एमीटर करंट, वो कलेक्टर करंट अपॉन एमीटर करंट, ठीक है, हमको एमीटर करंट दे रखा है, बेस करंट निकालना है, तो कलेक्टर करंट को बेस करंट में कन्वर्ट कर दो, कलेक्टर करंट होता है एमीटर करंट माइनस बेस करंट अपॉन एमीटर करंट, राइट, तो ये हो गया 0.96 इज इक्वल टू 1 - बेस अपॉन एमीटर, राइट, तो बेस अपॉन एमीटर इज इक्वल टू 0.04, तो 0.04 × 7.2 कितना हुआ, 0.29। उससे भी निकाल सकते हैं बीटा से, पहले अल्फा से बीटा निकाल लो, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, तो ये हो गया कितना 24। अब इसको कर दो IC upon IB, इससे भी निकल जाएगा, वो एक ही बात है, राइट, सो डन, ओके। हाँ बोल, क्या पूछी थी तू,